किसी से ना कहना, किसी से ना कहना, किसी से ना कहना, किसी से ना कहना, किसी से ना कहना। ये क्या लियाकत मियां, एक ही चक्कर लगा के थक गए? अमा यार, तुम तो वाकई बूढ़े हो गए। हाँ भाई, मैं तो बूढ़ा हूँ, तुम लोग कोलू के बैल की तरह चक्कर मार मार के जवान। जा 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 जा, जा, जा। कोलू के बैल है? नहीं मियां, कोलू के बैल कम से कम चक्कर मार मार के तेल तो निकालते हैं। लोग क्या निकालते हो ये जानो? मैं तो यहाँ इसलिए आता हूँ कि कम से कम पुराने दोस्तों से सुबह सुबह मुलाकात हो जाती है और मेरा दिल भी बड़ा खुश रहता है। हाँ भाई, लियाकत ने ये बात तो बिल्कुल सच कही। अरे हाँ, बोलना भूल गया, लाला तो एक दिन में लखनऊ से आने वाला है। वाह 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 वाह, क्या खबर सुनाई है, अब हमारी मंडली में रंग जमेगा। है भाई, कुछ भी कहो, हम सब में से वही एक जवान आदमी है। हाँ भाई, इसमें कोई शक नहीं कि आदमी मन से ही जवान बनता है। कसरत करने से जवान बनता तो वो कब का जवान हो गया होता। और ये मोटू कम से कम 14 चक्कर मारता है, अगर दुबला होने की जगह ये मोटाई होता जा रहा है। शायद चक्कर लगाने के बाद इतनी भूख लगती होगी कि घर पर जम के खाना खाता है। भाई कुछ भी कहो, हम बूढ़े लोग सुबह सुबह दिखाई तो देते हैं पार्क में, एक भी नौजवान दिखाई नहीं देता। अजीब पीढ़ी है, सोने के वक्त जागती है, जागने के वक्त सोती है। बबुआ, ए बबुआ, अरे उठ जाग, कब तक सोता रहेगा? बाबूजी के आने का वक्त हो गया है। कितने बजे? 7:30। साढ़े सात? रात को ये रेडियो ठीक करते करते काफी देर हो गई थी। अरे तुझे इस काट कबाट में फंसने की जरूरत क्या है? भगवान ने कंपनी में अफसरी दिया है, अफसरी करते रहो आराम से। अफसरी में वो मजा कहाँ है काका, जो इन टूटी फूटी चीजों को ठीक करने में है। अरे काका, लियाकत चाचा आएंगे तो ये रेडियो उनका दे देना, क्या देना, बिल्कुल ठीक होगा क्या? अच्छा दे दूंगा बेटा। हाँ थीरू जी, रमेश तैयार हो गया? जी हाँ। नाश्ता लगाओ। अच्छा जी। ये लीजिए पिताजी। अच्छा, ये है तुम्हारी सातवीं तनख्वाह।
क्या तुम अपने काम से संतुष्ट हो बेटा? एब्सोल्युटली पिताजी। ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। एम्बिशन अपने आप में बुरा नहीं होता, ज्यादा खाने की तरह ज्यादा एम्बिशन से भी बदहजमी होती है। तो जिंदगी में एम्बिशन के लिए भी थोड़ी बहुत जगह खाली छोड़नी चाहिए। असल चीज पेड़ का ऊंचा कद नहीं, असल चीज है पेड़ की गहरी जड़। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखा आज फिर देर हो। तो क्या हुआ? आप मालिक हैं? अरे मालिक तो ऊपर वाला है, तुमसे दो मामलों में राय लेनी है। फरमाइए सर। बैठो। महीने डेढ़ महीने से सोच रहा हूँ कि पूना के ऑफिस में एक मैनेजर है और यहाँ तो यानी कि जनरल मैनेजर और मैनेजर यानी कि तुम यहाँ की मैनेजर वाली पोस्ट खाली क्यों ना कर दी जाए? जनरल मैनेजर के होते मैनेजर की क्या जरूरत है? ये सोच में पड़ गए? नहीं सर, सोचना क्या है, आपकी राय बिल्कुल ठीक है। तो फिर आज से तुम्हारा ये पोस्ट खत्म। इसका मतलब है सर मैं आज ही से छुट्टी ले लेता हूँ। छुट्टी? हाँ सर, कहीं ना कहीं तो दूसरी नौकरी तलाश करनी ही पड़ेगी। अरे कहीं ना कहीं क्यों, इस ऑफिस में क्यों नहीं? बात यह है भाई कि जनरल मैनेजर बूढ़ा हो गया, अब इससे काम धाम होता नहीं। राय ये लेनी है कि अगर इस जनरल मैनेजर की कुर्सी पर तुम्हें बैठा दिया जाए तो कैसा रहेगा? आप क्या कह रहे हैं सर? तो तुम तब समझोगे जब मेरी तरह बूढ़े हो जाओगे और रमेश त्रिवेदी जैसा ईमानदार और मेहनती मैनेजर पा जाओगे। अरे बीवी बच्चे तो कोई है नहीं मेरे, फिर किसके लिए उम्र को मशीन की तरह रगड़ता रहूं? अब तो जितना जीऊंगा मौत से जीऊंगा। सर, क्या मैं आपके पैर छू सकता हूँ? इसलिए नहीं सर कि आप मुझे जनरल मैनेजर बनाना चाहते हैं, लेकिन इसलिए कि आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है। मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ सर। जीते रहो बेटा। माफ कीजिएगा सर, आपने दो अलग अलग रंग के मोजे पहन रखे हैं। बात यह है भाई, ये तोंद इतनी बड़ी है कि झुककर देखने ही नहीं देती, और देखने वाला मेरा कोई है नहीं। ले देख, एक भांजी है MBBS कर चुकी है, इंटर्नशिप खत्म होते ही आ जाएगी, फिर मोजों की जिम्मेदारी वही संभालेंगे। अब जाओ संभालो अपनी कुर्सी, मैं चला। लेकिन सर वो जो स्टेनोटाइपिस्ट इंटरव्यू के लिए आ रही है? अरे भाई जनरल मैनेजर के लिए आ रही है ना, वो तुम्हें संभाल लेना, मैं चला। हेलो। हेलो पिताजी, पिताजी आपको खुशखबरी देनी है, अभी अभी मैं कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया गया हूँ। जीते रहो, खुश रहो। आशीर्वाद दीजिए पिताजी, मैं इसके लायक बन जाऊँ। लायक आशीर्वाद से कोई नहीं बनता है बेटा, लायक बनता है ईमानदारी और मेहनत से। इधर यहाँ रख रही। अच्छा पिताजी, मैं घर आकर आपको सारी बातें डिटेल में समझाऊंगा। जी अच्छा। एक्सक्यूज मी। हाँ आइए, आप ही का इंतजार था। सुनिए। वन मोमेंट प्लीज। मिस्टर थी जॉनसन। हाँ आइए, सिट डाउन प्लीज। आपकी स्पीड क्या है? स्पीड? क्या स्पीड यानी रफ्तार? होगी कुछ 70-80 के आसपास। वैसे अगर रास्ता साफ हो तो 90-100 तक भी टच कर लेती हूँ। आप क्या अपनी ड्राइविंग की स्पीड बता रही हैं? जी हाँ। देखिए हमने ड्राइवर के लिए नहीं स्टेनोटाइपिस्ट के लिए इश्तिहार दिया था, और मैं भी आपकी टाइपिंग की स्पीड पूछ रहा हूँ। टाइपिंग तो मुझे नहीं आती। जब टाइपिंग आपको आती नहीं तो आप यहाँ क्यों आई? जी मैं तो, मेरा मतलब है मेरे मामा जी। देखिए मैडम, आप अपने मामा जी अम्मा जी की दोस्त यहाँ मत दीजिए,
इस दफ्तर में सिफारिश बिल्कुल नहीं चलती। यही यही बदनसीबी है हमारे इस देश की, काबिलियत है नहीं और सिफारिश है। सिफारिश से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अजीब चीज है आप, आपसे नौकरी मांगने नहीं आई हूं मैं। अगर आप मांगेंगे काम तब भी मैं नहीं दूंगा। लिसन मिस्टर, हर चीज की हद होती है। मेरे मामा जी। फिर आपके मामा जी? अरे भाई, अगर मैं आपको नौकरी नहीं दूंगा तो आपके मामा जी क्या करेंगे? गोली मार देंगे मुझे, क्या करेंगे? गोली तो नहीं मारेंगे, लेकिन इस नौकरी से जरूर निकाल देंगे। नौकरी से निकाल देंगे? देखिए, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप मिस्टर रमेश त्रिवेदी, जनरल मैनेजर। मैं कमेंट सर। कमेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कहिए। सर, आज मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। आपको? जी। तो फिर आप? रमोला शर्मा। रमोला शर्मा, लेकिन यहाँ तो डॉरोथी जॉनसन लिखा हुआ है। जी, वो मेरा नाम है। आपका? जी हाँ। तो फिर आप कौन है? कहा ना, रमोला शर्मा, डॉक्टर रमोला शर्मा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मामा जी ने बिजनेस बेच दिया है। मामा जी? कौन मामा जी? मैं ओम प्रकाश जी की भांजी हूँ, दिल्ली से आ रही हूँ। घर गई तो वहाँ ताला लगा हुआ था, नौकर शायद कहीं बाहर गया होगा, इसलिए सीधी यहाँ चली आई। ओहो, तो आप सर की डॉक्टर भांजी हैं? एक्सक्यूज मी मिस जॉनसन, आप प्लीज बाहर एक मिनट इंतजार कीजिए। ओके, थैंक यू। तशरीफ रखिए, बैठिए आप। थैंक यू। क्या पियेंगी, चाय कॉफी ठंडा? पानी पिला दीजिए। चलिए। यार पंडित, तू भी रहा घामड़ का घामड़। अगर कल आया होता तो कल ही मुलाकात हो जाती ना। अरे पवित्र भी लाए हो? हाँ, अबकी बार तो मुझे खसका इत्र देना। अमा तम लाकर, तुम आदमी हो कि उल्लू की तुम फाख्ता? अमा जरी सी तो तहजीब और तमीज सीख लो। अरे तुम नाराज क्यों होते हो यार? अमा नाराज नहीं होगा तो मैं घुइया छीलूंगा। तुम तो रहे दोस्त, माफ कर दिया, मगर लखनऊ के कूचा या तारा में इस सड़े गले मौसम में अगर तुमने खस के इत्र का नाम भी लिया तो फौरन चौक के थाने मेरा पट हो जाएगी। ये शख्स इत्र की तोहीन कर रहा है भाई। ये राग रागनियों की तरह इत्र का भी वक्त मौसम होता है। अब इन्हें खुश करने के लिए मियां तानसेन ठीक दोपहरिया में राग दरबारी तो नहीं छेड़ देंगे। तुम यहाँ खस का इत्र लगता है जब लू के झक्कड़ होते हैं। कहाँ खस और कहाँ ये बंबई का मौसम। लो लियाकत मियाँ, ये लो, सबके लिए लाया हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी जी आई हैं? अरे क्यों नहीं आएंगी, जहां मैं वहां मेरी शामत। बहू बहू। अरे बहू कौन भाई? अबे घूंचू, ये भी समझाना पड़ेगा कि बहू कौन। रमेश की दुल्हन को बुला रहा हूँ। अरे अभी उसकी शादी कहाँ हुई है? कैलाशपति, क्या कह रहे हो, अभी तक तुमने ब्याह नहीं है उसे? मियाँ, जवान बेटा पतंग की तरह होता है, जरी ढील दी और सामने वाली छत पे दिखाई देगा। जवानी कोई फिक्स डिपॉजिट में रखने वाली चीज नहीं होती मियाँ। वो खर्चने के लिए होती है। उसको ब्याहोगे बेटे को तो कायदे से खर्चेगा, वरना यूं बहकाओ यूं बहकाओ। बोले का कोई वर्ल्ड कप हो, इसे कोई हरा नहीं सकता। अरे हाँ, एक खुशखबरी दे सकता हूँ। तुम सबके आशीर्वाद से रमेश अपनी कंपनी का जनरल मैनेजर बन गया। और इसी खुशी में एक सिगरेट हो जाए। नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। अमर डॉक्टर यहाँ कहाँ है? ओफो, तो बेटे की जनरल मैनेजरी की सदके में एक कश। ये रमेश जी तो 7 ही महीने पहले आए ना कंपनी में, और एकाएक आपने उन्हें जनरल मैनेजर बना दिया। किसी पे इतना भरोसा करना ठीक बात नहीं है मामा जी। उस पे भरोसा ना करूं तो किस पे करूं?
ऐसी क्या खास बात है उनमें जब उनकी इतनी तरफदारी करते हैं? उसमें वो बात है बेटा जो आजकल के नौजवान में मुश्किल से मिलती है, मेहनती, वफादार, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। जानती है हमारे ऑफिस की 100 साल पुरानी घड़ी एक बार बिगड़ गई, उसके रिपेयर के लिए कलकत्ते की कंपनी ने 1000 रुपए का एस्टिमेट दिया और हमारे रमेश ने 24 रुपए 90 पैसे बना दिया। तो घड़ी की रिपेयर शॉप खोल के उसका इंचार्ज बना दीजिए उन्हें। आप तो इंस्टेंट कॉफी की तरह आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। नहीं नहीं बेटा, बहुत ही ईमानदार लड़का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इंटेलिजेंट तो इतना कि माफ कीजिए मामा जी, इंटेलिजेंट नहीं, मुझे तो बुद्धू राम लगे वो। एक टाइपिस्ट और डॉक्टर में फर्क नहीं कर सके। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? अरे आओ 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 रमेश। नमस्ते सर। आओ आओ बैठो बैठो। 100 साल जियोगे, अभी अभी तुम्हारी बात छिड़ी थी। अच्छा वो कैसे सर? अरे रमोला ने छेड़ दी। मैंने कहा कैसे आना हुआ? वो सर आपके दस्तखत चाहिए थे इस पर। अरे किसी चपरासी के हाथ भिजवा दिया होता, बरखुदार तुम जनरल मैनेजर बन गए हो। वो सर आज ही बनाओ ना, तो अभी आदत नहीं पड़ी मुझे। अच्छा तो कहाँ दस्तखत करना है? यहाँ पर करें, लेकिन पढ़ तो लीजिए सर। तुमने पढ़ लिया ना? हाँ मैंने तो पूरा पढ़ लिया। तो फिर इसकी क्या जरूरत है? नहीं सर, वो आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों रामोला जी, ठीक कहा ना मैंने? जी हाँ सर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आपने मुझे क्या देखकर जनरल मैनेजर बना दिया। हो सकता है कि असलियत में मैं बुद्धू राम हूँ, हो तो सकता है ना सर? क्यों रामोला जी? मुझे क्या मन? नहीं नहीं आप तो डॉक्टर है ना, चेहरा देख कर ही समझ जाती होंगी। हाँ समझ तो जाती हूँ लेकिन। अरे छोड़ इस बात को, रमेश को चाय पिलाओ। नहीं नहीं सर थैंक यू। डरिए मत, चाय मैं अच्छी बनाती हूँ। नहीं वो मुझे डॉक्टरों से डर लगने लगा है। अच्छा सर नमस्ते। नमस्ते जी। बेटी लगता है इसने तेरी बात बाहर से सुन ली। मामा जी मैं अपनी राय वापस लेती हूँ, आपका जनरल मैनेजर इतना बुद्धू नहीं है। एक कप चाय मिलेगी जीरू काका? क्यों नहीं बेटा, पहले ये ले। क्या क्या ये? खोल कर देख। खोलने की जरूरत नहीं। कब आए लाला जी? आज ही सुबह। अकेले आए चाची जी भी साथ आई? सुना है दोनों आए हैं। वाह देखा काका, कैसे ये दोनों बंबई में आए, मेरी तरक्की हो गई, मिल के आता हूँ। वाह अरे चाय तो पीता ना बेटा। आके पी लूंगा। कभी राहते कभी उल्फते कभी सोबते हम कहते हैं कभी सोबते कई बंबई मां। ओफो ये पन्ना तो पढ़ दीजिए। नहीं पहले हमारे बात का जवाब दो। अरे पहले फैज साहब का ये शेर तो सुन लीजिए कि तुझको कितनों का लहू चाहिए। रह दे तो हर शेरो शायरी सब ने ठल्लन का काम ही, जोन लखनऊ से आवती शेरो शायरी लेके आवती, जोन लखनऊ जावती शेरो शायरी लेके जावती, लखनऊ लखनऊ ना हुआ शेरो शायरी का दुकान हो गई बा। जाने मन आप कम से कम 30 साल से जाने आलम वाजिद अली शाह के कूचे अत्तारा में रह रही हैं और अभी भी आप कहती हैं कि हो गए बा। अरे किस्मत, अंदर आ सकता हूँ लाला जी? अहा आइए आइए मियां जनरल मैनेजर साहब आइए। हमरे अंदर तो जाए दे। पाय लागी चाची जी। जीते रहो। अरे ये तो हमारा रमेश बा, तुम तो कहते रहे जनरल मैनेजर हो। वो तो चाची जी आप दोनों की दुआ से हो गया ना मैं। आजी अच्छा। लीजिए मिठाई। बैठा बैठा हम तोहर लिए चाय लावती। बैठा आइए मियाँ आइए आइए जी। आपकी खास महुए के पान लाया हूँ। महुए के पान? वाह मियाँ आज सुबह आते ही पंडित ने हमें खुशखबरी दी थी, तो इसी खुशी में एक एक सिगरेट हो जाए। सिगरेट तो मैं अमां मुझे मालूम है कि आप सिगरेट पीते हैं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं, हम ना सिर्फ आपके पिताजी के दोस्त हैं आपके दोस्त भी तो हैं। इससे पहले कि चाची जान चाय ले आए एक एक सिगरेट हो जाए। लाला जी आपको तो डॉक्टर ने मना किया ना। अच्छा तो हम आपके पान भी नहीं खाएं। अरे लाला जी ये क्या, आप ये लीजिए पान। कहते हैं कि डॉक्टर, हम जानत हैं कि तुम का कहत हो। डॉक्टर साहब सिगरेट पीना ही तो मना करी ना, ये तो नहीं कहा
कि बिना जली सिगरेट ना पियो। ये लो बिटिया। ये सब क्या है भोलू काका? लगता है 2 साल से इस कमरे में किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। हाथ? तुम हाथ की बात कर रही हो बिटिया? इस कमरे में पैर तक रखना मना है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारी मामी जिंदा थी, अपने हाथ से इस कमरे की सफाई किया करती थी। उनके गुजर जाने के बाद एक दिन मैं इस कमरे की सफाई कर रहा था कि अचानक उनकी शादी की एक निशानी मेरे हाथ से गिर के टूट गई। बाप रे, बाबूजी कितना गुस्सा, मैंने कभी नहीं देखा। किसी तरह हाथ पैर जोड़ के नौकरी बचा ली। वो भी मैं इस घर का बहुत साल का पुराना नौकर हूं ना, शायद इसलिए माफ कर दिया होगा। अच्छा वैसा करो, चाय वहां रख दो और जाके झाड़ू लेके आओ। अरे अरे अरे, ओहो ये घड़ी तो बिल्कुल ही टूट गई। बाप रे, मर गए। ये भी उनकी शादी की निशानी थी। अब क्या होगा काका? वो तो आपको घर से नहीं निकालेंगे, लेकिन लगता है 10 दिन तक खाना पीना जरूर छोड़ देंगे। मैं जाता हूँ मंदिर में, जाके आप दोनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। भगवान रक्षा करना। हमारे ऑफिस के 100 साल पुरानी घड़ी एक बार बिगड़ गई। उसके रिपेयर के लिए कलकत्ते की कंपनी ने 1000 रुपए का एस्टिमेट दिया और हमारे रमेश ने 24 रुपए 90 पैसे में बना दिया। हेलो रमला जी, मैं रमेश बोल रहा हूँ। सुनिए, एक बड़ी मुसीबत में फंस के आपको फोन कर रही हूँ, प्लीज आप अभी आ जाइए, मुझे तो रोना आ रहा है। रोना आ रहा है? क्यों रोना आ रहा है? एक बहुत कीमती घड़ी मेरे हाथ से गिर के टूट गई है। सुना है आप तो घड़ी ठीक करने के मामले में जादूगर हैं, इसे भी ठीक कर दीजिए ना प्लीज, नहीं तो मैं मामा जी को क्या मुंह दिखाऊंगी। आप इतनी परेशान मत होइए, मैं अभी आता हूँ 1000 वगैरह लेकर। लेकिन सुनिए, घड़ी जिस हालत में है उसी हालत में रहने दीजिएगा, उस पर अपनी डॉक्टरी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। जी हाँ, जल्दी आइए। अच्छा अच्छा, मैं टैक्सी वाले से कहता हूँ बिल्कुल आपकी स्पीड से चले। अच्छा नमस्ते जी। आ गए आप, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। कहाँ है वो? ये रही। अरे बाप रे, इसकी तो अतड़ी पचौड़ी सब बिल्कुल बाहर आ चुकी है। ये तो बहुत ही सीरियस सर्जिकल किस्म का केस हो गया है। जो भी आप मामा जी के आने से पहले पहले इसे ठीक कर दीजिए प्लीज। वो बात यह है कि ये घड़ी मामी की निशानी है और मामा को जान से भी ज्यादा प्यारी है। अब कुछ भी कीजिए प्लीज। देखिए रमला जी, कोशिश करना हमारा काम है, बाकी सब तो भगवान के हाथ में है। वैसे इसको देखकर ऐसा लगता है दवा के साथ साथ दुआ की सख्त जरूरत पड़ेगी। मुझे भी चाय की बहुत जरूरत है। हाँ हाँ, मैं एक मिनट। थैंक यू। आओ डार्लिंग आओ। रमोला। अरे मनसुख भैया, आप बैठिए मैं आती हूँ। ओके चलो डार्लिंग बैठ जा। क्या हो रहा है भाई? ये घड़ी सर, ये घड़ी आप जोड़ रहे हैं कि तोड़ रहे हैं? जी कोशिश तो जोड़ने की कर रहा हूँ। देखा डार्लिंग, मामा जी भी कैसी बेकार की चीजों पे पैसा खर्चा करते हैं। लोग तो एंटीक रखते हैं रोब जमाने के लिए और मामा जी एंटीक रखते हैं टाइम देखने के लिए। आंटी? आंटी नहीं, एंटीक, घिसी पिटी पुरानी बेकार सी चीजें, जैसे तुम्हारे पिताजी। एक बात बताइए, आपकी दुकान कहाँ पे? जहाँ घड़ी हो जी। मेरा मतलब है दुकान कोई बनाई बनाई नहीं है, जिस किसी ने प्यार से बुलाया उसके घर जाके घड़ी ठीक कर दी। यू मीन होम सर्विस? अच्छा अच्छा, लेकिन आपके चार्जेस क्या हैं? हम तो साहब भरोसे पर काम करते हैं। आप डेफिनेटली तरक्की करेंगे। बस आपकी मेहरबानी चाहिए, आप भी कभी सेवा का मौका दीजिए ना। मैं आपको सेवा करने का मौका जरूर देता, लेकिन मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं पूना में रहता हूँ। हाय मनसुख भैया। हाय रमोला। ये लीजिए चाय। थैंक यू। रमला इनसे मिलो, संगीता। हेलो हेलो, मेरी मंगेतर। संगीता इतना मीठा और स्वीट गाती है कि खाने के बाद अगर मीठा ना हो तो सिर्फ इसका गाना सुन लो, अगर तुम सुनोगी ना तो पागल हो जाओगी। पागल हो जाऊंगी? तब तो भैया नहीं सुनूंगी।
आप बुरा मत मानिए, इनसे मेरा ऐसा ही रिश्ता है, हंसी मजाक का। ये हंसी मजाक की बात नहीं है, एक दिन ये संगीता संगीत जगत में लता भोसले के नाम से हलचल मचा देगी, सेंसेशन। लता भोसले का मतलब है लता मंगेशकर और आशा भोसले की कॉम्बिनेशन, समझो एक गिलास में लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें मिलाई जाए तो उस कॉकटेल में कैसा नशा होगा। बस संगीता की आवाज में ऐसा ही नशा। अटो क्या कहते हो? ये संगीता को पब्लिक के सामने पेश करने के लिए एक वैरायटी एंटरटेनमेंट की अरेंजमेंट की है। अच्छा। अभी तक हॉल तो फिक्स नहीं हुआ लेकिन टिकटें छप गई है, तो तुम्हारे कोटा की दो टिकटें देने आया था, 100-100 रुपए की टिकट है, टिकट घबराओ मत, पैसे मैं बाद में ले जाऊंगा, ये लो। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जगह जाना है, पूरी बुक खत्म करनी है। अच्छा सुनिए तो इनसे तो मिलिए, ये है मिस्टर रमेश। घड़ी वाला इनको तो मैं आते ही मिल चुका था, बहुत तरक्की करेंगे, बहुत ही मेहनती इंसान है। अच्छा बाय बाय, चलो बाय। जी जी जी, बुरा मत मानिएगा मंतुक भैया ने आपको घड़ी वाला समझा, खैर बुद्धूराम समझे जाने से तो अच्छा ही है। आपकी घड़ी ठीक हुई है, अरे वाह, आप तो सचमुच जीनियस निकले। लगता है आपको मुझ पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा है। मैं उस दिन के लिए माफी चाहती हूँ, I'm really very sorry। देखिए लंच टाइम पर सॉरी से ज्यादा वो पूरी की जरूरत पड़ती है। ओ, मैं तो भूल गई, आप तो भूखे होंगे, मैं एक मिनट में लेके आती हूँ। सुनिए सुनिए, मुझे बहुत देर हो जाएगी, मैं अभी नया नया जीएम बनाऊ, फिर किसी दिन खा लेंगे घड़ी वाली की मुआवजे के बहाने। अच्छा ये रहा आपका एक टिकट। लेकिन ये तो 100 रुपए का है। नहीं नहीं, वो मेरी तरफ से। उस दिन लता भोंसले का गाना भी सुनिए और मेरी तरफ से खाना भी खाइए। जय हो, आज तो बड़ी जबरदस्त मजदूरी होगी। देखिए अगर फिर कभी घड़ी वाली हाथ से गिर गिरा जाए तो इस बेचारे रमेश चंद्र घड़ी वाले को जरूर याद कीजिए। सुनिए लगता है हम किसी गलत जगह पर आ गए हैं। क्यों भैया ने पता तो यहीं का बताया था। नहीं लेकिन हम तो किसी लता भोसले के गाने के प्रोग्राम में आ रहे थे ना। हाँ? ये देखिए यहाँ तो नाच गाने का कुछ सिलसिला लगता है, सपेरा डांस। हाँ। नहीं नहीं ये देखिए ना, लिखा है मनसुख लाल प्रेजेंट्स विजयंती अय्यर। वो कहाँ गई लता भोसले? वो ऐसा हुआ होगा, लता भोसले से इनकी मंगनी किसी बात पे टूट गई होगी और ये इनकी कोई नई मंगेतर है विजयंती अय्यर। बाप रे बाप, ये आपके मनसुख भैया का कोई फोटो वोटो है आपके पास? क्यों नहीं, मैं उसको एनलार्ज करके अपने कमरे में लगाना चाहता हूँ, बिल्कुल गेट एज के लवर मालूम होते हैं। हफ्ते भर में तुम्हें सूट नहीं बदलता, ये फियांसे बदलते हैं। सुनिए भाई साहब, आप जरा ग्रीन रूम में जाके मनसुख भैया से मिल लीजिए, वो आप ही का इंतजार कर रहे हैं। हमारा? जी हाँ जाइए। थैंक यू नंदलाल जी, थैंक यू। आप सीधे चले जाइए और दरवाजे से दाईं तरफ। थैंक यू वेरी मच। ओहो रमोला और साथ में गड़ी बाबू। मनसुख भैया क्या? देखो देखो देखो, तुम डॉक्टर हो और ये घड़ी रिपेयर करने वाले, लेकिन मैं प्यार मोहब्बत में ऊंच नीच ये भेदभाव को नहीं मानता। वाह वाह वाह, अगर आपकी तरह हर किसी का दिल हो जाए तो इस दुनिया की तो समस्या ही हल हो जाए। लेकिन भैया वो एक बात समझ में नहीं आई, वो गेट पर हम दोनों को कैसे पहचान लिया गया, आते ही सीधा आपके पास भेज दिया। मैं बताता हूँ डार्लिंग, डार्लिंग वो बात क्या है कि मेरी इंस्ट्रक्शन है बाहर कि जो भी है उसको सीधा मेरे पास भेज दीजिए। वो टिकट उधार में भेजी थी ना, तो हॉल का भाड़ा वो देना है, तो मैंने उसे कहा कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। ओ थैंक यू वेरी मच, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वेरी इंटेलिजेंट। ओ डार्लिंग, कम डार्लिंग, डार्लिंग इनसे मिलो, ये है मेरी कजिन रमोला और ये इनके कजिन इनके फ्रेंड रमेश और ये है मेरी मंगेतर उर्वशी मित्रा, लेकिन मैं उसको प्यार से कपिल देव कह के बुलाता हूँ। कपिल देव तो मर्द का नाम है। हाँ सो तो है, लेकिन क्रिकेट में जो कपिल देव की पोजीशन है ना ऑलराउंडर, ऐसे डांसिंग में इसकी पोजीशन है ऑलराउंडर, क्लासिकल में वैजयंती और पॉप और मॉडर्न म्यूजिक में कल्पना आयर, इसलिए तो बाहर पोस्टर पे वैजयंती आयर लिखा हुआ है। डार्लिंग डार्लिंग, जब मेकअप ठीक कर लो, प्रदीप जरूर ठीक से लगाओ। भैया एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। वो लता भोसले का क्या हुआ? लता भोसले? कौन लता भोसले? वही जिससे उस दिन आपने अपनी मंगेतर कह के मिलवाया था। मिलवाया था? ओ संगीता,
देखिए, आप कल का अखबार आज पढ़ती हैं क्या? नहीं पढ़ती ना, मैं भी नहीं पढ़ता। संगीता के साथ क्या प्रॉब्लम था कि उसको आइसक्रीम खाने का बड़ा शौक था। जब भी मेरे साथ बाहर आया, मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। अरे भाई, मैं उसको तुम आइसक्रीम खाओगे तो गला बैठ जाएगा, तुम सिंगर बन नहीं पाओगे। तो भी नहीं, आइसक्रीम खाती थी। एक दिन क्या हुआ, गला ठप करके बैठ गया। बस दूसरे दिन मेरा प्यार ठप करके बैठ गया। मैंने कहा उसको, जाओ किसी आइसक्रीम वाले के साथ शादी कर लो। और देखो मेरा नसीब, देखो मुझे दूसरे ही दिन उर्वशी मित्रा मिल गई। अरे बैठ भाई, आइए आइए, आप लोग जाइए, बहुत सीट से आगे की रो में बैठ जाएगा। आइए महेंद्र भाई, कितने लोग हैं आप? सिर्फ दो। 200 रुपए निकालिए। सब पीरे हैं जहरीले, मेरे अंग मत कर तंग, मेरे
हाँ तो कमला कब जो तुमने बात बताई थी बढ़िया, लेकिन उसमें क्या है? अमर कैलाश, क्या बात है? आज तुम परेशान नजर आ रहे हो। हाँ भाई, मैं सोच रहा था उस दिन जो लाला ने कहा था ना कि जवान बेटा पतंग की तरह होता है, ढील देने से दूसरी छत पर दिखाई देता है, क्या ये सच है? हाँ ठीक तो है, पर अपना रमेश ऐसा नहीं करेगा। अरे भाई करेगा नहीं तो भी उसकी शादी तो कर देनी है ना, अब तो वो जनरल मैनेजर हो गया है। तो ढूंढो लड़की, रमेश की शादी की जिम्मेदारी मेरी अकेली थोड़ी है, तुम्हारे भी तो बेटे जैसा है ना। भाई रमेश के लायक एक लड़की तो है मेरी नजर में, बीए पास है, अच्छा घर है, कार्टर रोड पे रहती है, कहो तो मैं फोन कर देता हूँ, कल इतवार है, जाके देखाओ। आइए 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 बैठिए। घर में तोर तार सुतार कारिया का काम चल रहा है क्या? ना ना, मेरी बेटी म्यूजिक सुन रही है, म्यूजिक की बहुत शौकीन है ना। मैंने कहा सुनती हो, कैलाशपति जी आ गए हैं। मेरी बेटी बड़ी होशियार है, लाखों में एक है, लाखों में एक। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए बैठिए, आप बैठिए ना। यस यस, प्लीज बी सीटेड। बेटी तुम यहाँ आ जाओ। यस डैड। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मौली। मौली? मौली यानी कि श्यामली, घर में उसे प्यार से मौली कहके ही बुलाते हैं। डैडी कॉलेज में तो मुझे मौली भी नहीं, ली कहके बुलाते हैं। आई लाइक टू बी कॉल्ड ली, नॉट श्यामली। तुमने रामायण महाभारत पढ़ी है? सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन माइथोलॉजी, आई एम ओनली क्रेजी अबाउट म्यूजिक, लिटरली क्रेजी। किसका गाना तुम्हें पसंद है? एशिया, थर्ड वर्ल्ड। अरे नहीं नहीं, मैं देश के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। नो मैन, एशिया थर्ड वर्ल्ड कोई देश नहीं है, म्यूजिकल ग्रुप्स हैं, जैसे सुपर ट्रैम्प, कूल एंड द गैंग। माफ करना बेटी, मैं तो इन सब मामलों में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। आपको रॉक अच्छा नहीं लगता? एसिड रॉक, पंक रॉक, सॉफ्ट रॉक। रॉक यानी पत्थर, सॉफ्ट यानी नरम, तो पत्थर क्या नरम भी होता है? फॉरगिव मी फॉर सेइंग, मगर आप बिल्कुल पुराने जमाने के आदमी है, रॉक एक किस्म का म्यूजिक है। इसीलिए जब अंदर आए तो पत्थर गिरने की आवाज आ रही थी। तुम्हें रविशंकर का सितार कैसा लगता है? ओह, ही इज फेमस ओनली इन फॉरेन कंट्रीज, हिंदुस्तान के बाहर ही वो मशहूर है। मुझे तो क्लासिकल म्यूजिक बहुत बोरिंग लगता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप जिसे क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं, इट्स ऑल शिट, नो थ्रिल, नो एक्साइटमेंट, नाचने को दिल ही नहीं करता, और ये गाते बजाते सब ओल्ड फोगीज, एक्सेप्ट फॉर दैट फेमस तबला प्लेयर जाकिर हुसैन। ओह, व्हाट अ स्वीट डार्लिंग, ही इज सो हैंडसम, इजंट ही? ये क्या है? नहीं माफ करना, वो बस इतनी झटके से रुकी। बस झटके से रुकी हो तो मेरा ही कंधा क्यों? नहीं जवान लड़कियां देखी नहीं कि बस। देखो बेटी मैं। Shut up, you creepy old leech. I know your kind. I know your kind very well. Pawing at young girls at the least opportunity. You dirty old man. लाला जी। आ बेटा आओ। शुक्र है आज आप मुझे अकेले तो मिल गए। कोई खास बात? बहुत खास बात है लाला जी। अच्छा बेटा, मगर पहले ये बताओ कि जवानी कहाँ और कैसे खर्च हो रही है? अरे यही तो तकलीफ है ना लाला जी, लेकिन पहले आप ये पक्का वादा कीजिए कि ये बात पिताजी को मालूम नहीं होगी। अम्मा क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी की बात मैंने उनके पिताजी को नहीं बताई तो तुम्हारी बात तुम्हारे पिताजी को कैसे बताऊंगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। लगता है मियां कि कहीं इश्क विश्क का चक्कर हो गया है। आपको कैसे पता चला है? इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, बेधड़क बताओ। वो लाला जी, वो बात ऐसी है कि लड़की मां बनने वाली है क्या? जी 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 जी, मैं ऐसा कर सकता हूँ? कर तो सकते हो प्यारे, जवान आदमी हो, अगर ऐसा नहीं किया है तो अच्छा किया है, मगर समस्या क्या है?
दादाजी समस्या ये है कि मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि वो भी मुझसे प्यार करती है या नहीं। अमा जाओ, इतनी जरूरी सी बात? हम तो सोच रहे थे कि पहाड़ काट के दूध की नहर वगैरह निकालने की बात करोगे। ये मालूम करना क्या मुश्किल है? चुटकियों मालूम होता मियां। फर्ज कर लो कि शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है और आकाश के गालों पे शर्म की लाली सी आ गई है, और हवा हजारों घुंघरुओं के पायल बांधे धीरे धीरे चल रही है, छम छम छम, और खुले दरीचों से ताजा है। लाला जी दरीचों से खिड़कियां यार, खिड़कियां खिड़कियां, और खुले दरीचों से ताजा गुलाबों की महक, और इस शाम के धुंधुलके में तुम और वो अकेले। फर्ज कर लिए तमाम बातें? हाँ कर ली। तो आगे बढ़ो और खिचखिचा के उस लड़की को अपनी बाहों में जकड़ डालो। बाहों में जकड़ लो? हाँ, अमा जकड़ोगे नहीं तो झुक के तस्लीम करोगे क्या? हाय 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 हाय, आजकल के लड़कों को तो ठीक से जवान होना भी नहीं आता। है लड़की को जकड़ लिया बाहों में तो वो सिर्फ दो बातें कर सकती है, या तो वो कस के लपड़ मारेगी, और अगर लपड़ मार दिया तो समझ लो मियां कि तुम्हारे मोहब्बत के लिफाफे पे पता गलत था और उसके प्यार से फौरन इस्तीफा ले लो। लेकिन अगर मियां इस अगर पे गौर करो जरा, अगर वो अपने को छुड़ाने की कोशिश किए बिना कहती है कि छोड़ दो मुझे, ये क्या कर रहे हो, देख लेंगे लोग, तो मियां समझ लो कि तुम्हारा तीर ऐन निशाने पे लगा। आप सच कहते हैं लाला जी? कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। मियां पांच लड़कियों से अलग अलग इश्क कर चुका हूँ समझे, और ये नुस्खा आजमाया हुआ है। उनमें से चार ने तो वो लपड़ मारा था कि जबड़ा दुखता रहा कई दिन। और पांचवी ने? पांचवी तुम्हारी चाची है।
आप बैठे रहिए, मैं किसी से नहीं कहूंगा। आप चाय पियेंगे? पहले मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि मैं चाय पीऊंगा या चाटा खाऊंगा। चाटा? हाँ, समझ लीजिए कि शाम का वक्त है, बाहर सूरज ढल चुका है, आकाश आकाश पर शर्म की लाली छाई हुई है, हवा हजार घुंघरुओं की पायल बांधे धीरे धीरे चल रही है, छम 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 छम, खुले दरीचों से, दरीचों का मतलब समझती है ना, खिड़कियां, खुली खिड़कियों से ताजा ताजा गुलाबों की महक आ रही है। गुलाब? गुलाब कहीं नहीं है। अरे तो जो फूल है उन्हीं की महक आने दीजिए, लेकिन बीच में टोकिए मत, वो टोकने से मैं सब भूल जाता हूँ। हाँ, तो समझ लीजिए कि खुली खिड़कियों से ताजा फूलों की महक आ रही है, कमरे में हम दोनों अकेले ही हैं, आप और मैं। अचानक किचकिचाकर मैंने आपको अपनी बाहों में जकड़ लिया। हाँ? हाँ, वही तो, सीने से लगा लिया। अब आप क्या करेंगी, मुझे जोर से चाटा लगाएंगी या अपने आप को छुड़ाने की कोशिश किए बिना मुझसे ये कहेंगी, हाय ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़ दीजिए ना मुझे, कोई देख लेगा। ये कैसा सवाल है? जिंदगी और मौत का सवाल है, इसके जवाब के बाद ही मैं फैसला करूंगा कि इसके बारे में मैं आपके मामा जी से मिलूं या चुपचाप घर चला जाऊं। अगर मैंने ना चांटा मारा और ना ही कुछ कहा तो? देखिए ऐसा गजब मत कीजिए, या तो आप मुझे चाटा ही मार लीजिए और या फिर आप मुझे। सोच लीजिए अगर मैं सर झुकाकर चुपचाप खड़ी रह गई तो? अरे बाप रे, इस जवाब के बारे में तो सोचा ही नहीं था, ठहरिए मैं लाला जी को पूछ कर आता हूँ। अगर मैंने आपको सीने से लगा लिया और आपने कुछ नहीं कहा, सर झुकाकर, चलिए तीर आए निशाने पर लगा है। सॉरी सॉरी, मैं तुम्हारे मामा जी से मिलकर आता हूँ, और सुनो तुम चाय वाय बनाओ मेरे लिए, और खाने को भी कुछ बिस्किट कुछ भजिए, यू नो, जल्दी करो। ऐसा नहीं करते बेटी, ले साड़ी पहन ले, वो लोग आते ही होंगे। वो मुझे देखने आ रहे हैं या मेरी साड़ी को? यही तरीका है, मैं इन तरीकों को नहीं मानती, कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं बेटी, पर कैलाशपति जी अपने होने वाली बहू को साड़ी में ही देखना पसंद करेंगे। चल साड़ी पहन ले, बहस नहीं करते। काली, तुम यहां कैसे आ गए? ड्रेन पाइप से। चलो चलो अंदर चलो, हाथ फिसल जाता तो हड्डी पसली चूर हो जाती। खबर सुन के मेरा दिल चूर चूर हो गया, और तुम हड्डी पसली की बात कर रही हो? सुना तुम्हें कोई देखने आ रहा है? हाँ। तो फिर मेरा क्या होगा डॉली? देखने आ रहा है का ये मतलब थोड़ी कि मेरे साथ उसकी शादी हो जाएगी। तुम यहीं बैठ के मजा देखो, देखो मैं उसकी क्या हालत बनाती हूँ। आइए आइए, तुम इन्हें लेकर चलो, मैं आता हूँ। आइए आइए आइए, बैठिए। डॉली डॉली बेटी, कमिंग मॉम। मेरी बेटी है, इंग्लिश तरफ ज्यादा बोलती है। यस मॉम। हाय, तो आप ही मुझे देखने आए हैं। देखिए 36 22 36 36 22 36, ये तुम्हारा टेलीफोन नंबर है? नहीं मिस्टर, मैं अपनी फिगर की बात कर रही हूँ। 36 22 36, चलकर बताऊं? इसका मतलब मैं लंगड़ी नहीं हूँ, आवाज भी सुन ली है, इसका मतलब मैं गूंगी नहीं हूँ, बाल भी देखिए असली है, खींचिए ना। और कुछ पूछना है आपको? अरे बेटा छुट्टी का दिन है, आज तो इस काट कबाट को छोड़ दे, छुट्टी का मजा ले। अरे छुट्टी का मजा ही तो ले रहा हूँ काका, मेरे लिए छुट्टी है।
अब तेरा ब्याह करवाना पड़ेगा, बहू ही तुझे ठीक करेगी। ले चाय पी। थीरू थोड़ा बाहर जा। क्या बात है पिताजी? बेटा मैं तुम्हारी शादी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। शादी की इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है, मगर पहले एक बात बताओ, मुझसे ज्यादा तुम्हारा भला चाहने वाला कोई है इस दुनिया में? नहीं पिताजी, हो ही नहीं सकता कोई। बहुत सोच समझ कर मैंने ये तय किया है कि तुम्हारे लिए एक अपनी सभ्यता और संस्कृति जानने वाली लड़की को लाऊंगा, जो बड़े बूढ़ों का सम्मान करना जानती हो, मगर जिसे अंग्रेजी का एक लफ्ज भी ना मालूम हो। तुम्हें कोई इतराज है? नहीं, वो इतराज तो तुम खुद पसंद कर एक अंग्रेजी जानने वाली लड़की से शादी कर सकते हो, मगर एक बात बता दे रहा हूं, उस शादी के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अब रामूला का और मेरा क्या होगा लाला जी? यही तो सोच रहा हूं बेटे। रमोला है डॉक्टर और MBBS, और तुम्हारे पिताजी चाहते हैं एक ऐसी लड़की जिसको ABC भी ना आए, मगर रामायण और महाभारत की हो वो पंडित। समस्या बड़ी गंभीर है। बहुत लाला जी। इस वक्त तुम्हारी चाची घर में नहीं है, अगर एक सिगरेट और मिल जाती तो शायद दिमाग दौड़ने लगता। ये बात तो तय है कि जिस किस्म की लड़की तुम्हारे पिताजी चाहते हैं वो शहर में तो मिलने से रही, गांव में ही ढूंढनी पड़ेगी। इसी का तो डर है लाला जी, अगर कहीं वाकई गांव की कोई छोकरी को उठा के ले आए तो मैं तो शादी से इनकार कर दूंगा। ठहरो ठहरो, अब दिमाग चलने लगा। रमोला का कौन कौन है? एक मामा जी है बस। ये भी अच्छा है, छोटा परिवार, सुखी परिवार। वो मामा जी कोई 60 साल के तो होंगे। हाँ, बल्कि ज्यादा ही होंगे। बदन पर नामावली, सर पर नकली बाल, और उन नकली बालों पर एक चुटिया, और उस चुटिया में एक गेंदे का फूल। गांव के पंडित है ना? पंडित? लाला जी कौन से गांव का पंडित? मेरे गांव में जो घर है ना, उसमें रहने वाले पंडित जी, यानी के रमोला के मामा। क्या क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फौरन तुम मुझे रमोला और उसके मामा जी के पास ले चलो, सब समझ जाओगे। नहीं, बॉम्बे शहर में शादी के लायक ऐसी कोई लड़की नहीं जिसने स्कूल फाइनल पास में किया हो। लगता है अपनी पसंद की लड़की ढूंढने के चक्कर में रमेश कुंवारा ही रह जाएगा। एक मिली। मिली? लेकिन लड़की की उम्र 36 साल है। हट, और तो सभी BA पास हैं। अरे BA तो सिर्फ शादी के लिए करती है। अरे हमारी माँ और दादी कौन सी BA थी? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसे अपनी संस्कृति का पूरा ज्ञान हो, अंग्रेजी की डिग्री नहीं। लेकिन ऐसी लड़की सिर्फ गांव में ही मिल सकती है। ठीक कहा तुमने, लड़की ढूंढने के लिए गांव ही जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप ठीक तरह से समझ लीजिए, कैलाशपति त्रिवेदी हैं तो आप चतुर्वेदी बन जाइए, और ये आपकी बेटी होती तो जरा बात और गाढ़ी हो जाती, मगर भांजी है तो उसमें कोई मजाका नहीं। क्या नहीं? मजायका मतलब ये कि कोई हर्ज नहीं। बेटी अगर बात बात पर इस तरह से शब्द कोश निकालोगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि आप हैं पंडित राम प्रसाद चतुर्वेदी जी। मगर पंडित को तो संस्कृत बोलना चाहिए, अब मुझे संस्कृत बिल्कुल आती नहीं। अमा संस्कृत नहीं आती तो आप पहरे बन जाइए, मगर अंग्रेजी नहीं बोलिए। नेवर नेवर नेवर। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। भाई देखिए। अरे भाई, मेरा मतलब है मुझे बेहद अफसोस है, मगर लाला जी इनके पिताजी के साथ ऐसा करना क्या ठीक होगा? अच्छा तो ये ठीक होगा कि रमोला की शादी कहीं और हो जाए और ये बेचारा सारी उम्र कमारा रहे, क्योंकि रमोला के अलावा किसी और लड़की से शादी करेगा नहीं। मगर क्या ये झूठ का सहारा लेना जरूरी है? Everything is fair in love and war.
और अगर जरूरी ना होता तो मुझे काले कुत्ते ने काटा है कि मैं तुमसे ये सब कुछ करने को कहता। और तुम क्या जानो कि झूठ क्या है और सच किस चिड़िया का नाम है। अच्छा देखो, अब मैं कैलाशपति बनके तुमसे भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ सवाल पूछता हूँ। संजय के बारे में क्या जानती हो? कौन संजय? संजय गांधी या संजय दत्त? ये लीजिए, प्रेम करने को यही लड़की मिली थी। जी नहीं, महाभारत वाले संजय, संजय उवाच। अच्छा चलो, कौरवों की बहन और उनके बहनोई के क्या नाम थे? कौरवों की कोई बहन भी थी? होती ना तो मैं पूछ लूं। उनकी बहन का नाम दुशीला और बहनोई का नाम जयद्रथ था। अच्छा तीसरा सवाल, जब पांडव महाप्रस्थान पर जा रहे थे तो द्रौपदी गिर क्यों पड़ी थी? ये लोग पहाड़ पे जा रहे थे ना? जी हाँ। फिसल गई होगी? जी नहीं, मैंने महाभारत नहीं पढ़ी। और अब वक्त भी नहीं है पढ़ने का। ये करते हैं कि मैं 7 सवाल और उनके जवाब तुमको लिख के दे देता हूँ, उनको रट डालो चौथे की तरह। लाला जी, पिताजी ने 8वां सवाल पूछ लिया तो? नहीं नहीं, यानी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इमरजेंसी तार देकर तो आती नहीं। अगर इमरजेंसी आ भी गई तो वही सोच लेंगे कुछ, कर लेंगे कुछ। मगर ये शब्द इमरजेंसी का मुझे कुछ पसंद नहीं है। संकट कहो, संकट। संकट से? हाँ, लिख लिया। पढ़ो क्या लिखा है। एक वधु चाहिए, सुशील, सुसंस्कृत, गृह कार्य में कुशल। कोई शर्त नहीं सिवाय इसके कि अंग्रेजी ना जान। अब सारे हिंदी अखबारों में ये विज्ञापन दे देता हूँ। हिंदी अखबार में ही क्यों, गांव में हिंदी पढ़ी जाती है ना। हाँ हाँ हाँ। इतने गौर से क्या पढ़ा जा रहा है? एक लड़की के लिए वैवाहिक विज्ञापन दे रहा हूँ। अम्मा कैलाशपति, फिर से शादी करने जा रहे हो क्या? अरे उल्लू रमेश के लिए लड़की देख रहा हूँ। पर आजकल यहाँ लड़कियां तो जरूर पैदा हो रही है, लेकिन उनकी आत्मा है मेड इन इंग्लैंड। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो अंदर बाहर से भारतीय हो, वेद पुराणों से वाकिफ, गीता का अध्ययन किए हुए, भारतीय परंपरा का आदर करने वाली, जिसकी सांस से भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मधुर सुगंध आती है, ये अंग्रेजी की दुर्गंध नहीं। अम्मा तो भाषण क्यों देने लगे? साफ साफ ये क्यों नहीं कहते हो कि रमेश को रमा चाहिए? रमा कौन? रमा? रमा चतुर्वेदी जी की भांजी। चतुर्वेदी कौन? अरे हमारे गांव के पंडित, उन्हीं की भांजी है और सारा महाभारत रटा हुआ है। अंग्रेजी का एक शब्द नहीं जानती। तो क्या मैं इस लड़की को देख सकता हूँ? हाँ हाँ, बेदाग चांद है, जब चाहो चलो। जब क्यों भाई, जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। अब तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ट्रेन सवेरे जाती है। तो मुझे क्यों घूर घूर के देख रहे हो? ये सड़कें मैंने थोड़ी बनवाई हैं। अंजन बंजन ढीला हो गया। पंडित, स्वर्ग और देसी बहू के यहाँ जाने वाली सड़कें ऐसी होती हैं। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। रोक दो भैया, मैं पैदल चलूंगा। मियाँ गाड़ी वाले, जरा बैलों से कहिएगा कि बुरा ना माने, हमारे पीछे पीछे चले। संजय रणभूमि में धृतराष्ट्र के दूत थे, उन्हें कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते थे। संजय रणभूमि में धृतराष्ट्र के दूत थे, उन्हें कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते थे। कौरवों की बहन और बहनोई के नाम क्या थे? बहन का नाम दुशीला और बहनोई का नाम जयद्रथ। बहन का नाम दुशीला और बहनोई का नाम जयद्रथ। बहन का नाम दुशीला और बहनोई का नाम जयद्रथ। पंडित, चप्पल उतारने पड़ेंगे। जाऊंगा ये। हे गोविंद राखु शरण, बचके जीवन, बचके जीवन हारे।
गोविंद राखो शरण तो जीवन हारे बट बट कहाँ लायो कहाँ लाया तुम मुझे अरे चलो तो सही गोविंद राखो शरण ये पकड़ 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 ला गोविंद राखो शरण तो जीवन हारे अरे ये कहाँ है अबे लाल आगे बच्चे हाँ धोती बच गई धोती 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 कहाँ हे गोविंद राखो शरण आ गए ये देखो भगवान का नाम लेके इस बिना ये कहाँ जा रहे हो आओ तो सही आजा अरे आ जाओ यार आ जा रहे हो वारे वारे अरे अब क्या होगा अरे कुछ नहीं होगा तुम इतना घबराती हो ये देखो एक कचौड़ियां और गुलाब जामुन लाया हूँ पूरनमल की दुकान से लाया हूँ अब क्या कचौड़ियां और गुलाब जामुन खाऊंगी अरे तुम क्यों खाओगी लाला जी और पिताजी खाएंगे और सुनो कहना ये है कि ये सब तुमने बनाया समझी मुझे तो चाय और अंडा उबालने की सफाई कुछ नहीं आता अब ये इतना बड़ा सफेद झूठ भी बोलना पड़ेगा अगर सफेद पसंद नहीं है तो लाल पीला हरा जो अच्छा लगे उस रंग का झूठ बोलना लेकिन बोलना यही है और वो तुम्हारे मामा जी कहाँ हैं वो तो धोती की लांग बांधने की प्रैक्टिस कर रहे हैं अरे भाई चतुर्वेदी जी ये साथ में ले जाकर दरवाजा खोलोगी रसोई में रखो और सुनो पैर धोना मत भूलना पैर धोना पैर धोना जाओ यहाँ से भगवान हमारी रक्षा करना भगवान भगवान अरे भाई चतुर्वेदी जी हैं हाँ रवा बिटिया कैसी हो अच्छी नहीं नहीं बेटी पैर किचन में सने हुए तो क्या अतिथि के पांव तो भगवान के पांव होते हैं मैं अभी साफ किए देती हूँ हाँ हाँ आओ कैलाश अब चलो हम अपने पांव वाँव धोए करके लाला हाँ भगवान अभी भी ऐसी लड़की बनाते हैं इसमें कुछ भगवान का हाथ है कुछ लड़की के माता पिता का और कुछ उस सरकार का जो यहाँ आस पास अंग्रेजी स्कूल खोलना भूल बस बरस बेटी हमने तो साफ करिए अब ठीक है इधर 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 हाँ टीटी रहो बेटी टीटी रहो आइए लाला जी हाँ चतुर्वेदी जी कहिए क्या हाल चाल है तार मिल गया था मिलना कैसा अरे अचार तो रमा बेटी घर में बना थी अचार नहीं तार आ? तार मिला था मिला था मिला था बिल्कुल बहरे हैं ये हैं लड़के के पिताजी कैलाशपति त्रिवेदी अरे हमारे यहाँ भाग्य है आज हमारे घर पधारे बिलासपति बिलास नहीं कैलाश शिव जी का निवास उपवास ये कैसे हो सकता है आज पहली बार हमारे घर पधारे हैं और उपवास नहीं नहीं उपवास नहीं करेंगे ठीक है आइए आइए बिलासपति आइए हम फिर वही बिलासपति बोलने दो कोशिश करो ये कम बोले चलो मेरी रमा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी बेचारी बचपन में ऑर्फन अरे चतुर्वेदी जी अंग्रेजी बोले चतुर्वेदी जी हाँ बचपन में क्या हो गई ऑर्फन मतलब ऑर्फन मौला हो गई ऑर्फन हाँ 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 छोड़ो यार तुम्हारे दिमाग में तो हमेशा अंग्रेजी ही बचती रहती है पंडित जी क्या जाने ऑर्फन फॉरफन आइए आइए विराज 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 अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटी जरूरत कैसे नहीं है जो कुछ खाकर निकला था बैलगाड़ी में सफर करके सब हजम हो गया वाह वाह मैंने खुद अपने हाथों से बनाई अच्छा ऐसी कचौड़ी तो पूरनमल हलवाई भी नहीं बना सकता ये खाने के लिए भगवान मुझे लंबी उम्र दे हाँ कैलाशपति लंबी उम्र देगा तुम्हें भगवान जी मामा जी मेरे लिए भी लेकर आई बैठो बैठो
हाँ हाँ, तो कैलाशपति पूछो ना बच्चे से, पूछो जो पूछना है। अच्छा बेटी, क्या तुम ये बता सकती हो कि संजय कौन थे? जी, संजय रणभूमि में धृतराष्ट्र के दूत थे। उन्हें कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते थे। श्रीमद् भागवत गीता भी संजीव वाच्य से शुरू होती है। वाह वाह, क्या पवित्र त्रिवेणी के जल से धुली हुई भाषा बोलती हो। दूसरा प्रश्न ये है कि कौरवों की बहन और बहनोई के क्या नाम थे? बहन का नाम दुशीला और बहनोई का नाम जयद्रथ। अरे वाह वाह बेटी, ये तो मुझे भी याद नहीं था। तो ये बताओ बेटी, पांडव जब महाप्रस्थान पर जा रहे थे तो नकुल क्यों गिर गए थे? जी, तुम बहू ढूंढने आए हो या संस्कृत महाविद्यालय? द्रौपदी क्यों गिर पड़ी थी ये बता सकते हूँ, लेकिन नकुल क्यों गिर पड़े थे ये नहीं बता सकते। ये बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बात यह है बेटी, ये प्रश्न करके मैं भी फंस गया था। इसका उत्तर मुझे भी नहीं मालूम। लाला, रिश्ता पक्का? अच्छा। अरे नहीं यार, पहले रमेश भी तो पूछ लो, उसकी भी राय ले लो। बेटी एक भजन हो जाए। जा, गाना भी गाती है? गाती है? अरे ऐसा वैसा, ऐसा गाती है कि सीधे वृंदावन पहुंचाएगी। जा। ढूंढे यशोदा चहुओ,
किशोर। क्यों पंडित, ये दूर की यात्रा सफल रही? सफल? यहाँ ना आते तो सचमुच जिंदगी में एक अच्छी जगह देखने से रह जाते। और कचौड़ियाँ कैसी थी? कचौड़ी? हाँ हाँ, और गुलाब जामुन। गुलाब और जामुन? मैंने तो दो खाता खाता। क्यों लाला, कचौड़ी गुलाब जामुन सब हजम हो गए ना? चलो चलो घर चलते। धीरू धीरू। अरे बाबूजी, ये क्या हो गया आपको? अंजे पंजे ढीला हो गया। रमेश है? जी हाँ। बुलाओ से। आओ लाला। बबू, ए बबू। क्या है धीरू काका? जा जल्दी से नीचे जा, तुझे बाबूजी बुला रहे हैं। कुछ भी कहो लाला, वो लड़की इतना कष्ट उठाने के लायक थी। अरे लायक ना होती तो मैं इतनी दूर तुम्हें क्यों ले जाता? आपने मुझे बुलाया पिताजी? हाँ बेटा, तुमसे कुछ खास बात करनी है। अच्छा भाई, अब मैं चला, तुम बाप बेटे के बीच में मैं। बैठो बैठो लाला। देखो बेटा, हम दोनों तुम्हारे लिए एक लड़की देखने को गए थे भाई। हमें तो बहुत पसंद है, सुंदर, सुशील, मगर अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानती। ये सब बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं पिताजी? क्योंकि उसके साथ तुम्हें ही शादी करनी है, तुम्हें ही जीवन बिताना है। आज तक आपने मेरे लिए कोई गलत चीज पसंद की है? मेरे कपड़े आप खरीदते, मेरी पढ़ाई लिखाई का फैसला आपने किया, मेरी नौकरी भी आप ही ने चुनी, तुम्हारी माँ भी इन्होंने चुनी। हाँ, इसीलिए तो, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूं। वाह, बेटा हो तो ऐसा हो, तुम आदर्श पुत्र हो। देखा, बाप की खुशी के लिए जवानी दांव पे लगा दी। तुम्हारा नाम रमेश चंद्र नहीं, रामचंद्र होना चाहिए। पंडित, कर दो तैयारियां शादी की। जी ये लोग थक गए होंगे, कमरे में ले जाइए, जरा आराम कर ले। हाँ हाँ जरूर। लाला तुम भी ऊपर जाओ, या खैर बैठो बैठो। हाँ, शहर में मिलती है ऐसी बहू? ये तो साक्षात लक्ष्मी है। सब लाला जी की बदौलत। अरे माफ कीजिए, आप लोग कहाँ आ रहे हैं? जरा आराम करने दीजिए ना दूल्हा दुल्हन को। आप जरा नीचे। तुम्हें अपना सुहागरात का कमरा जरूर याद आ रहा होगा। हम कहते हैं तुम सखी आ गए हो, शर्म नहीं आवत इन बचपन के सामने ऐसा बात करो तो? अरे मेरी जान, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, शर्म ने तो आना ही छोड़ दिया। चलो आ का। मगर रमेश मियां, हमारे सुहागरात के कमरे की तो कुछ बात ही और थी। सेज पे जूही की कलियां बिछी हुई और उन नन्नी मुन्नी कलियों पे ये बिछी हुई थी। अरे मियाँ, अगर परेशान ना करते तो बैठी रहती यहाँ सवेरे तक। और तुम लोग क्या करते फिर? मगर मियाँ, कर दिया ना तुम दोनों का मामला फिट। लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है, एक ना एक दिन जब पकड़े जाएंगे तब क्या होगा? अरे बिटिया, डर की क्या बात है? कैलाश पति को मैं लगभग 40 साल से जानता हूँ। उसका दिल तो लखनऊ की रबड़ी है, मीठा और नर्म। सेवा करोगी, मोह लोगी, और फिर मैं भी तो हूँ। आपने लाला जी हम पर इतना बड़ा एहसान किया है, हम कभी नहीं भूलेंगे। और मैं भूलने भी नहीं दूंगा मियाँ। लाओ इसी बात पे एक सिगरेट। वो चाची जो चिल्लाई। अरे अरे, या तो आप सिगरेट लाइए या मैं अभी आपके डैडी को कहता हूँ कि ये सब अंग्रेजी जानते। डैडी? डैडी नहीं, मैं आपका सिगरेट। वैसे तो मैंने एक ही सिगरेट मांगी थी, मगर आप कहते हो तो मैं पूरा पैकेट ही रख लेता हूँ। वो बारात तो मैंने देखी है जनाब।
इधर नाशपाल दग रहे हैं, उधर मेहताबियां और आतिशबाजी के फूल बरस रहे हैं, उधर उन फूलों में एक गोभी के फूल की बहारी बिटिया। इस वक्त तुम बिटिया सुसरों के जंगल में हो, ये आए और अपने अपने पांव छुड़वा के तुम्हें आशीर्वाद दे। अरे बाबा से सिर्फ काम नहीं चलेगा मुटल्ले, समझे? कोई और बहू आता तो सिर्फ हाय अंकल के। अबे मुशंदर कुछ इनाम इनाम दे। हाँ ठीक है, बहू के हाथ के कचौड़ी खिला देता हूँ। कचौड़ी? हाँ भूल गए, उस दिन क्या कचौड़ी बनाई थी बहू ने, मैं तो आज तक उंगलियां चाट रहा हूँ। इतनी खस्ता कि हाथ लगाओ तो महोबे के पान की तरह बिखर जाए। क्यों बेटी, आज खिला दे सबों को वही कचौड़ी? अरे कल ही तो बेचारी बहू आई है और आज ही उसको रसोई में जोते दे रहे हो। मेरी बहू कोई लंदन पलट नहीं है, खेत कल्याण की बेटी है, रसोई तो इसका मायका है। क्यों बेटी? जी जी हाँ। हाँ तो हो जाए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, क्या बना कर लाओ। अरे सब पान खत्म हो गए, मैं अभी आया। रोती क्यों हो? अब तो पकड़ी गई ना? पकड़े तो गए। उस दिन जो कचौड़ी आई थी वो कहाँ से आई? वो कोई पूरनमल वही चौराहे पर। अच्छा तो तुम रसोई में जाओ और हंडिया में टन टन करती रहो, मैं अभी आया अभी आया। थैंक यू अंकल। इस घर में अंग्रेजी नहीं। जी अरे लाला तुम हाफ क्यों रहे हो? मिया मगही पान हर जगह नहीं मिलते। अच्छा हुजूर में भागम दौड़ हो गई। और फिर बेटी ये भी डर था कि तुम बेटू लोग कचौड़ियाँ कहाँ गई? बैलगाड़ी में आ रही है क्या? अरे तो भाई आ गई कचौड़ियाँ। शुक्रिया महाराज, खुश रहो। जी जी धन्यवाद भैया। बेटी सुन, इसकी रेसिपी क्या है? जी रेसिपी लियाकत हिंदी में बोलो, बेचारी अंग्रेजी समझती नहीं। कचौड़ी कैसे बनती है पूछ रहे, बता दे बेटी। जी बिटिया इस कचौड़ी में मैदा पड़ता है शायद? जी हाँ जी। और पिसी हुई दाल भी पड़ती है शायद, है ना? हाँ दाल। ओहो, और शायद हींग। हाँ हाँ हींग। देखा सब जानती है, समझे? शाबाश बिटिया, तुम जाओ जाओ। लियाकत मियां, खिचौड़ी बनाने के लिए भी लियाकत चाहिए और हाथ का कमाल चाहिए। और अगर आपको खिचौड़ी इतनी पसंद है और फिर से खानी है तो पूरे एक दिन का नोटिस देंगे आप बहू को, ताकि भागम दौड़ ना करनी पड़े। सपना जैसे लग रहा है कि रमेश जब 10 साल का था तो तेरी सास हम सबको छोड़कर चली गई। तब से ये घर मैं ही संभाल रहा हूं। अब तू आ गई, मेरा बोझ हल्का हो गया। देख ये भी कितने खुश है, इसका आशीर्वाद ले। बेटी ये घर नहीं,
तेरी सास का मंदिर है, इस घर की लाज अब तेरे ही हाथ में है। कभी कभी झूठ का सहारा मत लेना, कभी किसी को दुख मत पहुंचाना। मैं आशीर्वाद करता हूं तू सदा सुखी रहे, सदा सुखी रहे। क्या रात बहुत हो चुकी, अब सो जा। नहीं होगा मुझसे, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया ये झूठ। धीरज रखो रमा। कब तक, तुम ही बताओ कब तक। हर रोज हर पल मेरी आत्मा कोसती है मुझे, कितना प्यार करते हैं पिताजी मुझसे, कितना भरोसा है उन्हें मुझ पर, और मैं झूठ झूठ और झूठ। कब तक उठाऊंगी मैं ये पाप का बोझ, नहीं सहा जाता मुझसे। अभी जाकर उनके पांव पकड़ती हूँ और कहती हूँ पिताजी मैं इतने भरोसे के लायक नहीं हूँ। नहीं रमा, ऐसा मत करना। अगर ऐसा करोगी तो हमेशा हमेशा के लिए हम पिताजी को खो देंगे। मैं अपने पिताजी को अच्छी तरह जानता हूँ रमा, वो दूसरों की गलतियों की सजा भी अपने आप को देने लगते हैं। अगर ये बात इस वक्त तुमने उनसे कही तो किसी से कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप घर छोड़कर चले जाएंगे। तो मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मुझ पर भरोसा रखो रमा। देखो उस वक्त भी तुम्हें झूठ कहने पर मैंने ही मजबूर किया था, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था, और अब भी ये बात कहने से मैं ही तुम्हें रोक रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें नहीं खोना चाहता। पता नहीं कैसे उनके जहन में ये बात बैठ गई है कि अंग्रेजी पढ़ी लिखी लड़की अच्छी बहू बन ही नहीं सकती। अब तुम अपनी सेवा से अपनी लगन से उनका मन जीत रही हो। कुछ वक्त के बाद जब उन्हें ये बात पता चल भी जाएगी तो मुझे यकीन है वो हमें माफ कर देंगे, हम उन्हें राजी कर लेंगे रमा। लेकिन इस वक्त कुछ करो, मुझ पर भरोसा रखो रमा। पिताजी ला, रमेश कहाँ है? मैं अभी बुला देती हूँ। नहीं तू ठहर बैठ जा, मैं बुला रहा हूँ। रमेश, ओ रमेश, आया पिताजी। देखा तेरी लस्सी ने कितना दम पैदा कर दिया मेरी आवाज में। हाँ जी पिताजी, आज ही ससुराल जाना है बहू को लेकर। ससुराल क्यों? क्यों क्या, रिवाज है भाई, शादी के बाद बहू को भी मई का याद आता होगा। लेकिन पिताजी, और उस बेचारे पंडित जी के बारे में भी तो सोचो, दो चार दिन उनके साथ हसबैंड लोगी तो उनका मन प्रसन्न हो जाएगा। अपने हाथ की लस्सी पिलाना उन्हें, उनकी आवाज में भी दम आ जाएगा। जाओ तैयार हो जाओ, आज ही जाना है 12 बजे के अंदर अंदर, मैंने पंचांग देख लिया, चलो जाओ। अच्छा जाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, रास्ते में किसी भी स्टेशन पर उतर जाएंगे, किसी अच्छे से होटल में 2-4 दिन हनीमून मनाएंगे, वापस आ जाएंगे। आओ। आप चाय? हाँ रख दे। क्या बात है साहब, आजकल आप बहुत खोए खोए से रहते हैं। क्या बताएं भोलू, जब से रम्मू बिटिया ससुराल चली गई है ये घर तो मुझे खाने को दौड़ता है। तो जाके एक बार बिटिया को देखा जाए ना। अरे बेटी के घर क्या जाना ठीक होगा? अब वो तो आपकी भांजी है, भांजी के घर जाने में क्या हर्ज है? भांजी, बात तो तूने ठीक कही, तो जा जल्दी से मेरा काला सूटकेस, डंडा और गेंदे का फूल लेकर आ। गेंदे का फूल? अरे जैसा कहता हूँ वैसा करना। अच्छा। मामा जी को मेरे नमस्ते बोलो। जी अच्छा।
कितना हुआ? 2 रुपये। रमा, रमा बिटिया। कौन? अरे पंडित जी आप? रमा बिटिया के लिए दिल घबरा, सोचा चलकर एक बार मिला हूँ। अरे मैंने तो रमा रमेश को अभी अभी आप ही के पास भेज दिया। क्या कहा? रमा रमेश को मैंने आप ही के पास भेज दिया। मेरे पास? अच्छा तो मैं चलूँ। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो? ये कैसे हो सकता है? बैलगाड़ी में आते आते आपकी हड्डी फंस गया तो चूर चूर हो गई होगी। नहीं नहीं, आज रात आप यहाँ रहिए, आराम कीजिए। क्या कहा? आराम कीजिए, कल हम दोनों गांव चलेंगे। हम दोनों? और अचानक पहुंच के उन्हें चौंका देंगे। नहीं नहीं, मुझे जाने, अरे अरे मुझे जाने दीजिए, अरे मुझे जाने दीजिए। एक्सक्यूज मी जी, यहाँ कोई अच्छा होटल है? नामजी होटल तो एक ही है जिसका नाम है हनीमून होटल। आप किसी भी टांगे वाले से पूछिए, आपको ले जाएगा। थैंक यू। इसको कहते हैं किस्मत, होटल भी मिला तो हनीमून। कितने पैसे हो भाई? 2 रुपये। दो। ये लो 5 रुपये, खुश है ना? शुक्रिया। अब इसको 5 रुपये देने की क्या जरूरत? इसे तुम 5 रुपये कह रही हो ना, सन 70 के 70 पैसों से ज्यादा नहीं। आप इस जिंदगी में पहला और आखिरी हनीमून मना रहे, हम दोनों खुश है ना, तो दुनिया को भी खुश रहना चाहिए, मजे करें। अरे उसने तो कहा था हनीमून होटल, ये तो हनुमान होटल है। अरे देखो देखो, हनीमून ही है लेकिन उसका ये रूम मिटाकर हनुमान किया हुआ है, देखा? वही है ये। आप नमस्कार। नमस्कार। एक कमरा मिल सकेगा? लेकिन थोड़ा अलग से हो, एकांत में, जहाँ कोई परेशान परेशान ना कर सके, समझे ना आप? हाँ, नाम क्या है? मनसुखलाल, मनसुखलाल त्रिवेदी। सुखलाल त्रिवेदी। और यह मेरी धर्मपत्नी श्रीमती लता भोसले। लता भो भो, पति त्रिवेदी और पत्नी भोसले। अब तो ये भी त्रिवेदी है, शादी से पहले भोसले थी। अच्छा अच्छा, इंटरकास्ट मैरिज। तो ये विवाह माता पिता की इजाजत से हुआ या? उससे आपको क्या लेना देना? श्रीमान जी, परसों ही सवेरे सवेरे दरोगा जी मेरे आए थे और बोल गए चिरौंजी लाल जी चौकन्ने रहिएगा, एक लफंगा एक मंत्री महोदय की लड़की को लेके भाग गया। देखिए जनाब, हम भाग भाग कर नहीं आए, समझे आप? और ये बताइए, आपके होटल का नाम तो हनीमून होटल था ना, आपने बदलकर हनुमान होटल क्यों रख दिया है? देखिए श्रीमान, मैं पुराने विचारों का आदमी हूँ। हमारे समय में कोई हनीमून वनीमून का चक्कर नहीं होता था, विवाह होता था और बीवी दूसरे ही दिन चूल्हा चक्की संभाल लेती थी। ओह अच्छा क्या? लेकिन आपकी होटल में खाना वाना तो अच्छा मिलता ना, बिरयानी कोरमा, मेरा मतलब है हनीमून खाना। श्रीमान बिल्कुल, ये रही 17 नंबर कमरे की चाबी, ये लीजिए, और ऐसे जा करके आगे वो पैसेज है दाहिनी तरफ, वहाँ कमरा मिल जाएगा। अच्छा, अरे आप यहाँ से बम्बई का फोन कितनी देर में मिल जाता है? साहेब ये तो बम्बई के टेलीफोन विभाग पर निर्भर है। वो तो है ही, तो एक काम कीजिए, एक अर्जेंट कॉल बुक कीजिए, 532707 पीपी मिस्टर अरुण लाल, उनसे कहिएगा कि रमेश और रोमा यहाँ ठहरे हुए हैं। रजिस्टर में मनसुख लाल और टेलीफोन पर रमेश, मैं तो पहले ही समझ गया था कि जरूर कुछ दाल में काला है। हाँ जरा दरोगा जी को फोन देना।
दरोगा जी जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों घूमने गए हैं। साहब मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लूं, मैंने तो देखते ही समझ लिया था कि दोनों भागे हुए हैं। जी हाँ, और जब मैंने अपनी प्रश्नावली खोली तो दोनों बगले झांकने लगे। दरोगा जी मुझे इसमें कोई शक ही नहीं है कि लड़की भगाई हुई है। जी हाँ, जी हाँ, दरोगा जी आप घबराइए नहीं, उनके आते ही मैं आपको फोन कर दूंगा। वो टेलीफोन कर दिया जनाब आपने? हाँ जी कर दिया फोन, और लाला जी ने कहा है कि आपके पिताजी और इनके मामा जी गांव चले गए, आप भी फौरन जाइए वरना सारा भांडा फूट जाएगा। जल्दी करो। अरे तुम्हारे ये मामा जी मेरे पिताजी के हाथ कैसे लग गए? वो तो मामा जी बता सकते हैं, अब जल्दी से कपड़े दे दो ना। हाँ? भगवान करे पिताजी हमसे पहले ना पहुंच जाएं। मैं हमेशा कहती थी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा अच्छा तुम जल्दी से पैकिंग करो, देखो कुछ रह ना जाए, ये तो फिर एक नई मुसीबत हो जाएगी। बस 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 यहीं रुको। चलो चलो चलो। अरे अरे बाहर से दरवाजा किसने बंद किया? अरे भाई कोई है, दरवाजा खोलो। अरे खोलता हूँ श्रीमान। दरवाजा खोलिए, हमको फौरन जाना है। जल्दी कीजिए, खोलो दरवाजा, खोलिए, रिपोर्ट करूंगा मैं आपको। आई श्रीमान, ये क्या बदतमीजी है, दरवाजा क्यों बंद किया आपने? रमेश, अरे साल्वी तू, अरे इनसे मिलो, मेरे बचपन का दोस्त मनोहर साल्वी, और ये है रमा त्रिवेदी। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? भाभी जी मैं पुलिस का आदमी हूँ। अरे शादी का इन्विटेशन कार्ड मिल गया था ना। मगर आपको गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई शादी की दावत खाई नहीं तो क्या खिलाऊं भी नहीं? नहीं यार ये सब फिर कभी, इस वक्त तो जल्दी से अपनी जीप में हमें लक्ष्मीपुर छोड़ दे, रास्ते में तुझे सारी डिटेल समझा दूंगा। पर तूने यहाँ अपना नाम मनसुख लाल क्यों लिखवाया? ओहो यार जब ये अपनी होटल का नाम हनीमून से हनुमान रख सकते हैं तो मैं मजाक में अपना नाम भी नहीं बदल सकता। कमाल यार हद है। चलो अरे हाँ बिल्कुल, मैनेजर साहब ये 500 रुपये आप रखिए, इसी में से मेरा बिल भी दे दीजिएगा और जो बच जाए वो उस मिनिस्टर को दे दीजिएगा। चलो चलो। क्यों भाई? जी गाड़ी मरम्मत करने में कितनी देर लगेगी? आधा घंटा लगेगा। पंडित जी इस सड़क पर गर्भवती औरतें बैलगाड़ी में कैसे चलती होंगी? सड़क तो नहीं, ये गर्भपात का कारखाना लगता है। खाना? अरे खाना तो घर पहुंचते ही बैठ जाएंगे खाने पर। प्यारा मेरी बहू का मामा ना होता तो मैं इसे जान से मार डालता। चलिए पैदल चलते। दल दल, अरे ये तो गांव की सूखी सड़क है। अब बोला तो मारूंगा, सचमुच जान से मार डालूंगा। रोको 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 रोको, गाड़ी रोको। तो है मामा जी पिताजी, गाड़ी मत रोका, गाड़ी मत रोका। साहब गाड़ी रोकिए, गाड़ी जल्दी चला, सीधा निकाल लो, रोकना ही बिल्कुल। रोको राइट पे, रोको रोको। देखा रोका भी नहीं। धोखा? अरे धोखा क्यों देगा? चुप। दस अच्छा तो लपक के जाओ और पिताजी को ले आजा। अच्छी बात। और भाई साहब जब आप पिताजी को लेके आएंगे ना तो मैं आपको पहचाने से इनकार कर दूंगी, मेरा मतलब है। समझ गया भाभी, आप कैसे पहचानेंगे, आप तो गांव की बड़ी शर्मीली लड़की है ना। अच्छा अच्छा तो जा। अच्छी बात, और तुम भी जल्दी से जाओ, और वो क्या है अनपढ़ अनपढ़ जो भी बनना है बन जाओ जल्दी। चलो ड्राइवर, मैं बाजार होकर आता हूँ। सीताराम 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 सीता। चतुर्वेदी जी ये दृश्य देखकर रास्ते का सारा कष्ट मिट गया। पिट गया? कौन पिट गया? उफ, मैं पिट गया। चलिए अंदर चलिए। आइए 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 आइए। पिताजी मामा जी कहाँ चले गए थे आप? पिताजी आप इधर हो बेटी। हाय राम। अरे बेटी शर्माती क्यों हो, इसे भी घर का ही लड़का समझो, ये ना होते तो शाम तक हम सड़क पर ही हिचकोले खा रहे होते। गांव की लड़की है ना, पर पुरुष देख के लजा जाती है। हाँ जी
ये शर्माना, ये लजाना शहरों में कहाँ दिखता है। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए सर, मैं जरा जल्दी में। कोई लड़का एक मिनिस्टर की एमए पास लड़की को लेकर भाग गया। एमए पास? जी, वो भी अंग्रेजी में। तब तो लड़के ने लड़की को नहीं भगाया, लड़की लड़के को लेकर भाग गई। सुनो बेटा जी, अगर दोनों मिल जाए तो लड़के को छोड़ देना, मगर उस अंग्रेजी में एमए लड़की को हर किस्मत छोड़ना। जी जी बिल्कुल ऐसा ही करूँ। अच्छा सर नमस्ते। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। आपको भी नमस्ते। चलिए चलिए। चलते आ रहे थे। और अरे गरीब बाबू आप? अरे मनसुख भी आप? वाह वाह क्या थाट बाट है, शूज सूट टाई हाथ में अटैच के। मैंने कहा था ना एक दिन आप जरूर तरक्की करेंगे। सब आप ही का आशीर्वाद है। लेकिन इस बिल्डिंग में कैसे आना हुआ? वो समझ गया, जरूर किसी दफ्तर में घड़ी बिगड़ गई होगी। आपका अंदाजा ठीक है, लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ पेंटिंग्स बेचने आया था। आप पेंटिंग भी करते हैं? जी मैं नहीं, मेरी मंगेतर मिस गायत्री गायतुंडे। लेकिन मैं इसे प्रेम से अजंता कह बुलाता हूँ। बिल्कुल अजंता के मूरत की जैसी लगती है। डार्लिंग ये है रमेश घड़ी वाला, मेरे दोस्त। तो आपकी पेंटिंग बिक गई? कहाँ, इस देश में तो आर्ट की कोई कदर ही नहीं है। हाँ इस देश में तो चलती फिरती बोलती नस्ती पेंटिंगें चलती है, मेरा मतलब है फिल्में। तुम निराश न हो डार्लिंग, मैं तुम्हारी सारी पेंटिंग्स खरीद लूंगा और पेंटिंग्स अपने दफ्तर में लगा दूंगा। अच्छा घड़ी बाबू मैं चलता हूँ, संभल के डार्लिंग, इधर से उतरना। हाँ पिताजी। ला बेटी यहाँ बैठ, तुझे कुछ बातें करनी है। तू यहाँ खुश है ना बेटी? बहुत खुश हूँ पिताजी। तब मेरे चश्मे का नंबर बदल गया होगा। तुझे यहाँ आए 6 महीने हो गए, एक बार भी तू खुलकर खुश नहीं दिखाई दी, घुटी घुटी सी डरी डरी सी लगती है। ऐसी तो कोई बात नहीं पिताजी। पिताजी एक बात पूछूं? क्या बेटी? मैं अक्सर सोचती रहती हूँ कि अगर मैं स्कूल कॉलेज की पढ़ी लिखी होती तो मुझे आप नहीं मिलते ना। ये किसने कहा है कि तू पढ़ी लिखी नहीं है? क्या अंग्रेजी सीखने से ही पढ़ा लिखा होता है? तो शंकराचार्य, तुलसीदास, कबीर, गुरु नानक, मीर, गालिब, क्या ये सब अनपढ़ थे? क्या अंग्रेजी सीखना इतना बुरा है पिताजी? कोई भी सही शिक्षा कभी बुरी नहीं होती बेटी, और दुनिया की हर भाषा गंगा की तरह पवित्र है। मैं अंग्रेजी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, मैंने खुद ही अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है। दरअसल अच्छी शिक्षा है जो हमारे कुसंस्कार को तोड़ दे, हमें आगे बढ़ाए। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का नतीजा ये हो रहा है कि हमारे कुसंस्कार नहीं सारे संस्कार तोड़ दो, विदेशी संस्कार को अपना संस्कार मानो। ऐसी शिक्षा पाने वाले और देने वाले दोनों गलत हैं। चीन, रशिया, जापान, जर्मनी, ये सब देश बहुत आगे बढ़ गए हैं, मगर आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी भाषा उधार लेनी तो नहीं पड़ी इन्हें। हमारा है एक अभागा देश जहां अंग्रेजी जानना अपनी संस्कृति और भाषा जानने से बड़ा माना जाता है। हमने अंग्रेजों को हराया बेटी, मगर अंग्रेजी से हार गए। 200 साल की गुलामी का फल है ये। जा तू अंग्रेजी नहीं जानती ये सोचकर अपने आप को परेशान मत कर, जा। सुन तुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि इस परिवार इस घर से तेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है? तू यहाँ कभी माँ बनकर कभी बहू बनकर कभी बेटी बनकर आई थी जी, इसे ही संस्कार कहते हैं। मैं आपकी बेटी तो हूँ। कभी नहीं कभी नहीं, बेटी होती तो कब की मुझे छोड़कर ससुराल चली गई होती। मैं आशीर्वाद देता हूँ, सदा सुखी रहे। अरे लाला जी आप यहाँ अचानक, मुझे बुलवा लिया होता। मियाँ किस्सा दरअसल ये है कि जो बात मुझे आपसे करनी है वो जरा खुफिया है और सिर्फ अकेले में हो सकती है।
ऐसी क्या बात है लाल जी, आप पहले बैठिए तो आइए। मियाँ अभी अभी मैं आप ही के यहाँ से आ रहा हूँ और रमा बिटिया को देख के कुछ मुझे सदमा सा हुआ। वो हम लोगों के झूठ के दलदल में धंसी जा रही है बेचारी। हजार पूछने पर सिर्फ ये बोली कि एक झूठ बोलने वाली एक अंग्रेजी पढ़ी लिखी बहू को पिताजी कभी नहीं माफ करेंगे। बात तो उसने बिल्कुल ठीक कही है लाला जी। मेरे ख्याल में अब हमें यह सारी बात तुम्हारे पिताजी को बता देनी चाहिए। अरे नहीं नहीं लाला जी, ऐसा गजब मत कीजिएगा। आप तो पिताजी को जानते हैं, झूठ से कितनी नफरत है उन्हें, और अगर ये राज उन पर खुल गया तो वो तो हमको कभी माफ नहीं करेंगे। और लाला जी, हमको किसी भी तरह रमोला को पिताजी के गुस्से से बचाना है, खासतौर से इस हालत में। किस हालत में? लाला जी, रमोला तो माँ बनने वाली है ना। नहीं? अम्मा वाह, शाबाश। तब तो सारा मसला हल हो गया, क्योंकि घर में बच्चा आने से पंडित का दिल जरूर पिघलेगा, मगर जब तक बच्चा आता है रमोला का वहां रहना कुछ ठीक नहीं है। मियाँ, ये तुम्हारी कंपनी की एक ब्रांच होगी पुणे में? हाँ है ना, है ब्रांच तो है। तो मामा जी से कह के वहां का तबादला करवा लो, पैसा खत्म। कम से कम वो बेचारी इस डर से तो बची रहेगी कि अब पकड़ी गई, अब पकड़ी गई। क्या पढ़ रही हो? कुछ नहीं पिताजी, वो पढ़ नहीं रही थी, ये घड़ी देख रही थी, घड़ी। तुम्हें घड़ी पहनने का शौक है तो मुझे क्यों नहीं बताया? ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी घड़ी खरीद कर लाऊंगा, सोने की घड़ी। देखो तस्वीरें देखो। तुम्हारे लिए एक जबरदस्त खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? क्या खुशखबरी? देखो, मैंने सर से कह, मेरा मतलब है मामा जी से कहकर अपना ट्रांसफर पूना की ब्रांच में करवा लिया। अब तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और पिताजी? पिताजी यही रहेंगे। देखो, तुम हमेशा डरा करती थी ना, कब क्या होगा, कब पकड़ी जाऊंगी, बस इसीलिए हल निकाला है। अब तुम चैन से मेरे साथ पूना में रहो। वो तो समझी, लेकिन पिताजी की देखभाल कौन करेगा? अरे धीरू काका जो है। धीरू काका तो शादी से पहले भी थे, फिर इस घर में बहू के आने की क्या जरूरत थी? इतने ही शौक है पूना जाने का, तो आप अकेले जाइए, मैं पिताजी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, बड़ी खुशखबरी लाए। अरे रमा, सुनो तो। लीजिए पिताजी। धीरू कह रहा था कि तुम रमेश के साथ पूना जाने से इनकार कर रही हो। जी जी पिताजी, क्योंकि। हाँ हाँ, तुम्हारा क्योंकि मुझे मालूम है। तो क्या ससुर सेवा पति सेवा से बड़ी होती है? आपका आशीर्वाद चाहिए पिताजी, कि मेरे सुहाग को लंबी उम्र मिले। पति सेवा के लिए तो सारा जीवन पड़ा है, मुझे आपकी सेवा का सौभाग्य चाहिए। अरे वाह वाह वाह। नहीं, तुम पूना चली जाओ, मैं रमेश से कह दूंगा कि हर शनिवार तुम्हें लेकर यहाँ आया करे और सोमवार सुबह वापस जाया करे। वैसे तुम्हें पति सेवा के साथ ससुर सेवा का भी समय मिल जाएगा। इसे कहते हैं एक पंत और दो काज। अब कहो। जैसा आप कहें पिताजी। तो जाओ, रमेश से कह कर आओ। जी। अरे वाह, लाला को भगवान लंबी उम्र दे, क्या बहू दिलवाई। जल्दी कर बेटी, ट्रेन का वक्त हो गया है। आए मामा जी। ये लीजिए। हाय वाह, सच पूछो तो तुझको साड़ी जैसी सस्ती है, ऐसा कोई कपड़ा नहीं सस्ता है। क्यों बेटी, खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ मामा जी, बस
एक ही दुख मुझे खाए जाता है। देवता जैसे पिता से झूठ बोल रही हूँ। लीजिए बिस्किट। अरे भाई अब तुम जनरल मैनेजर बन गए हो, घर का रंग पानी कराओ, नया नया फर्नीचर वगैरह फिट कराओ। यस सर। देखो जी मैं तुम्हारा मम्मिया ससुर हूँ, अगर जो तुमने मुझसे बार बार सर सर कहा तो मैं सीधा अंग्रेजी बोलता हूँ, तुम्हारे बाप के पास चला जाऊंगा और सारा भांडा फोड़ दूंगा। तो यही पता है कितना हुआ भाई? 375। ये लो 3 रुपए 75 पैसे। अरे बाप रे पिताजी आ गए। अब क्या होगा? तुम मामा जी को जल्दी कहीं छुपा दो, मैं पिताजी को लेकर आता हूँ, जल्दी करो। बेटा मुझे किचन में कहीं नहीं, नहीं मामा जी, पिताजी पहली बार यहाँ आ रहे हैं, अगर उन्हें कहा किचन दिखाओ घर दिखाओ तो क्या होगा? आप जल्दी से यहाँ बाथरूम में छुपा दो। चल चल जल्दी करो। ओह गॉड। आइए पिताजी आइए। बहू बहू। अरे पिताजी आपने आने का तार नहीं दिया। जीती रहो बेटी। अरे आने का इरादा था थोड़े, बैठे बैठे एकाएक जी चाह के तुम लोगों को देख आओ बस चले आया। बेटा बाथरूम जाना है? हाँ वो सामने जाइए। अच्छा वहाँ। अंदर कोई है क्या? नहीं पिताजी। तुमने फिर जोर से खींच कर दरवाजा बंद कर दिया होगा। कितनी बार कहा इसकी लकड़ी फूल गई, जोर से खींच कर मत बंद करो। कल मुझे याद दिलाना, सुतार को बुलाना पड़ेगा। पिताजी नीचे भी एक बाथरूम है, आप नीचे जाइए ना। नीचे नीचे भी बाथरूम है? हाँ बच गया। चलो चलो जल्दी। इस घर की हर चीज अजीब है पिताजी, फ्लश कभी अपने आप शुरू हो जाती है, कभी अपने आप बंद हो जाती है। अब याद दिलाना, कल प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। ये तो भूतिया मकान है, मैं तो यहाँ रहूंगी नहीं पिताजी, मैं आपके साथ बंबई चली जाऊँगी। हाँ लेकिन फिलहाल तो पिताजी बंबई नहीं, बाथरूम जाना चाहते हैं, तुम बाथरूम जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी चलो। खोलिए। आप फ्लश की तंजीर क्यों कीजिए? बेटा राहुल ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया, घबराहट में समझ गया ना। समझ गया। और मैं किसी तरह रमोला को पिताजी के साथ बाहर भेजता हूँ, उसके बाद आप जाइएगा। अच्छा अंदर हो जाइए। अच्छा और दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए। बंद कर। दुर्गेश्वरी खाओ हमारे पुणे का शेंगदाना। हमें मिले एक महीना तो हो ही गया होगा, तुम हर वक्त खाने के ही पीछे पड़े रहते हो। रॉन्ग। एक महीने से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ दुर्गेश्वरी। क्या मैंने कभी खाया? नहीं बल्कि खिलाया। तुम प्रश्न करोगी क्यों? प्रश्न का उत्तर है तुम दिन रात समाज सेवा में लगी हुई रहती हो, न खाने का होश, न पीने का होश, न जागने का होश, न सोने का होश। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो समाज कल्याण का क्या होगा? आखिरकार खाने के लिए तो जीना चाहिए, जीने के लिए तो खाना चाहिए। मगर खाने के सिवा जीने का कोई और भी तो मतलब होना चाहिए मनसुख। मनसुख के लिए नहीं तो तनसुख के लिए तो खाओ। अरे ये तो रमोला है। आए रमोला, हाउ आर यू, हाउ आर यू। अरे ये क्या, मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदिया गोस्वामी, वो घड़ी वाले के साथ मामला फिट हो गया क्या? ये लो मुंह मीठा करो। ओ, ओ। पर ये है कौन? होगा कोई लफंगा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, चलिए बता। अच्छा क्या तुमने, देखने में तुम दुबली हो मगर थप्पड़ जो जमा कर मारा ना पटा, बदमाश लफंगा। ओह ओह थैंक यू। कौन थी वो? वो रमोला। रमोला कौन? वो जो पीली साड़ी में जा रही ना वो। पर वो है कौन? वो रमोला। सारा हिंदुस्तान सुधर जाएगा पर तुम नहीं सुधरोगे, तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है। ओ दुर्गेश्वरी। अरे यहाँ क्यों बैठी हो? गजब हो गया। क्या हुआ? पिताजी को लेके पार्क में घूमने निकली थी, वहाँ मनसुख भैया मिल गए, मुझे देखते ही हाय मोला हाउ आर यू कह के लग गए।
पिताजी घूर के देख रहे थे, समझ में नहीं आया क्या करूं, कस के एक झापड़ लगा दिया। झापड़? वो भी लफंगा कह के। किसी भी बहाने घर से निकलो, जाकर उनसे माफी तो मांगू। ठीक है, बाजार बाजार चलते हैं, जरा पिताजी को कह लें। पिताजी, बेटा ये डॉक्टरी की किताब कौन पढ़ रहा था? ये मेरा मतलब मैं पढ़ रहा था, लेकिन इनके लिए पढ़ रहा था। वो क्या कि इनका जनरल नॉलेज होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा बेटी तू, हाँ समझ गया समझ गया। अरे उड़ू, तू डॉक्टर क्यों नहीं बुलाता? इसका इलाज तू करेगा क्या? ये क्या रेडियो है या घड़ी? सुनो बेटी, अगले हफ्ते तुम जब बॉम्बे आओगी ना, मैं तुम्हें बड़े डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। पिताजी वो बाजार से कुछ चीजें इसे लानी है। हाँ जाओ खरीद कर लाओ। पिताजी मैं भी साथ जाऊं? हाँ चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं पिताजी, आप आराम कीजिए, बाहर बहुत सख्त धूप है, आप आराम कीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है। डार्लिंग जल्दी आओ, तुम्हारे बिना दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। आइए मिस्टर गड़ीवाला बैठिए। आप क्या टूटे हुए गाल की मरम्मत कर सकते हैं? मंसूर भैया आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए ना। माफ तो मैं बाद में करूंगा, पहले ये बताओ कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो एक लंबी कहानी है। तो हेडलाइन ही सुना दो। बात यह है कि मेरी इनसे शादी हुई तो मुझे इनके पिताजी से झूठ बोलना पड़ा कि मैं एक अनपढ़ लड़की हूँ। नेचुरली तुम एक MBBS डॉक्टर और ये एक बेचारा घड़ी वाला। बात ये भैया कि आपने इनके साथ अंग्रेजी में बातचीत शुरू कर दी तो इनको खतरा टालने के लिए थप्पड़ मारना पड़ा। लेकिन इतना जोर से क्यों मारा? वो तो घबराहट में। भैया माफ भी कर दीजिए ना। नहीं, पहले मैंने पार्क में सोचा था कि तुमको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, लेकिन फिर पता चला कि तुमने मुझे थप्पड़ मार के बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर यही थप्पड़ तुम मुझको 2 साल पहले मारती तो कितना अच्छा होता। वो कैसे? देखो, पहले तो तुमने मुझको थप्पड़ी मारी, उसके बाद दुर्गेश्वरी ने थप्पड़ा मारा तो मेरा जबड़ा हिल गया, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेकिन वहां मुझे एहसास हुआ कि जन्म जन्मांतर से जिसकी मनसुख को खोज थी वो मिल गई। मिलोगी उसे? हाँ। फ्लोरेंस, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस डार्लिंग। डार्लिंग इनसे मिलो, ये रमोला और ये है इनके हस्बैंड रमेश घड़ीवाला। आओ डार्लिंग मेरे पास बैठो प्लीज। अब दर्द कैसा है डार्लिंग? डार्लिंग जब तुम मेरे पास होती हो तो पूरा दर्द गायब हो जाता है। तुम तो मेरी टाइगर बाम, कोडोपायरिन, एस्प्रो, एनेसिन का कॉम्बिनेशन हो डार्लिंग। क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं बेटी, गैस की तकलीफ। कब से? मतलब कब से हो रही? ये अचानक अभी शुरू हो गई। पिताजी टैक्स। क्या हुआ पिताजी? वही गैस फंस जाती है ना कभी कभी। गैस? पिछले साल भी याद है आपको यही तकलीफ हुई थी और डॉक्टर ने क्या कहा था? दिल की बीमारी है। क्या? क्या कहा था डॉक्टर ने? अरे वो कार्डियक इनसफिशिएंसी या क्या सब अंग्रेजी लव्स, मैं ही नहीं समझता, तू क्या समझेगी? पिताजी आप आज मत जाइए। सुन, सुना? ये देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चल रमेश उठा, सुटकेस उठा। तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जिद करोगी? हाँ। अरे सुन सुन, रास्ते में अगर कुछ हो भी गया तो ये डॉक्टर है जो मुझे बचा लेगी। मैं 5 मिनट में तैयार हो कहती हूँ, आप जरा सुनिए। पिछले जन्म में ये जरूर मेरी माँ थी। खतरे की कोई बात हो तो मैं भी साथ चलूं। मैं जो हूँ, तुम फौरन लाला जी को फोन करके हार्ट स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लेना, जाते ही दिखाना पड़ेगा। हाँ वो तो मैं कर ही लूंगा, पर तुम अपना ख्याल रखना।
अगर दर्द फिर से शुरू हो जाए तो ये सॉर्बिटेट की आधी गोली जबान के नीचे रख देना। वो अंग्रेजी नहीं जानती, जो कहना है मुझे बताइए। देखिए, आपको बिस्तर से उठना मना है, बाथरूम भी आप नहीं जा सकते, सब काम पलंग में ही करने पड़ेंगे, आपको बिल्कुल आराम की जरूरत है, समझे ना? आइए लाला जी। हाँ भाई कैलाशपति, अब तो तुम्हें बहुत संभल के रहना पड़ेगा। कार्डियोग्राम से लगता है कि उन्हें पहले भी दो अटैक हो चुके हैं, होशियार रहना पड़ेगा लाला जी। भगवान ना करे अगर फिर से कुछ हो गया तो फौरन मुझे खबर कीजिए या सीधे कोई अस्पताल में ले जाइए। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं आपको छोड़ा हूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अच्छा अंकल, मेरा ख्याल है उनको अब पूना में फोन कर देना चाहिए। हाँ, मैं अभी फोन कर देता हूँ उसे, और तू घबरा मत, मैं सारी रात यहीं रहूंगा। मैं घबरा नहीं रही हूँ, सोच रही हूँ कितनी बदनसीब डॉक्टर होते हुए भी। वो बहुत दयालु है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू नीचे जा और हम सब के लिए चाय भिजवा दे। भाई देखो, खामा खास जिद मत करो। क्यों भाई, क्या खुसुर खुसुर कर रहे थे तुम लोग? देख पंडित, बक बक बिल्कुल बंद। मैं तेरी बहू से सिर्फ ये कह रहा था कि अगले महीने तेरी सालगिरह का जश्न बहुत धूमधाम से मनाएंगे और मैं तुझे एक प्रेजेंट दे दूंगा। क्या प्रेजेंट देगा तू? अरे तुझे है दिल का रोग, मैं तुझे प्रेजेंट दूंगा एक डॉक्टर। हट, डॉक्टर? अगर वो डॉक्टर भी इतना ही झापड़ निकला जितना ये था तो मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। अरे तू घबराता क्यों है? मैं तुझे एक डॉक्टर नहीं दे दूंगा। क्या डॉक्टर लाया था? कहता था सब काम पलंग पर करो। अरे मैं ठहरा शुद्ध ब्राह्मण, कान में जनेऊ लपेटे बगैर मैं उधर मुंह भी नहीं करता। और उल्लू कहता था कि देख मोटे, वो सब कुछ तो तुझे यही करना पड़ेगा। रही जनेब की बात, तो तेरी तरफ से जनेब मैं कान में बांध लूंगा। डॉक्टर शाह को फोन कर दीजिए, तब तक मैं पिताजी को ये पैथेलिन का इंजेक्शन देती हूँ। पर बिटिया, तो सब झूठ खुल जाएगा ना। हाँ। पिताजी माफ नहीं करेंगे ना, घर से निकाल देंगे ना। निकालने दीजिए लाला जी, मैं इस घर की बहू ही नहीं, एक डॉक्टर भी हूँ। कैलाश जी, पिताजी बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ बेटी, बस अभी आराम आ जाएगा। हाँ। मैं आपको इंजेक्शन दे देती हूँ। इंजेक्शन? तुम इंजेक्शन लगाओगी? हाँ पिताजी, मैंने आपसे ये बात छुपाई थी कि मैं एक डॉक्टर हूँ। खतरा तो टल गया मिस्टर त्रिवेदी, पर बड़ी होशियारी से रहना पड़ेगा। एक्चुअली बचाया आपको आपकी बहू ने। बेटा, तुम फौरन वो इंजेक्शन ना देती तो ना जाने क्या हो जाता। अच्छा मैं चलता हूँ, अब आपको इन्हीं का कहना मानना पड़ेगा। चलिए लाला जी, आइए लाइए। थैंक यू। हाँ बेटी। पिताजी दवाई ले लीजिए। मैंने पहले ही तुमसे कह दिया था कि ये घर नहीं, रमेश की मां का मंदिर है। अगर तुम झूठ बोली। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं झूठे को कभी माफ नहीं करता। पिताजी मैं मानती हूं कि मैंने झूठ कहा था। जब बहुत छोटी थी तो मां बाप गुजर गए, मामा के घर में पली, पर बचपन से ही एक सपना देखती आई थी कि किसी दिन मेरा अपना एक घर होगा, वहां फिर से पिताजी मिलेंगे, प्यार मिलेगा, इसीलिए झूठ का सहारा लिया था। आप दवा खा लीजिए ना। झूठ का सहारा लेने वाले से मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं उसके हाथ का पानी भी नहीं पीता। ठीक है पिताजी, मैं चली जाती हूँ,
हमेशा के लिए चली जाती हूँ, लेकिन पिछले 8 महीनों में अगर मैंने आपकी कुछ भी सेवा की हो, अगर आपके दिल में मेरे लिए जरा भी प्यार हो, तो आप ये दवा खा लीजिए। मेरे हाथ से ना सही, नर्स के हाथ से खा लीजिए। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं धीरू काका। रमा, क्या हुआ? मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। मैं झूठी हूँ ना, मैं झूठी हूँ ना। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने बहू को घर से निकाल दिया? तुम जानते हो मुझे झूठ से कितनी नफरत है। अमर लानत है उस सट पे जो एक बसे बसाए हंसते खेलते घर को उजाड़ दे। मेरे घर में झूठों के लिए कोई जगह नहीं। तो कान खोल के सुन लो पंडित, इस घर में मेरी और तुम्हारी बेटी की भी कोई जगह नहीं है। क्यों, रमेश ने क्या किया? पिताजी, रमा तो ये झूठ बोलने से हमेशा इनकार करती रही, लेकिन मैंने ही उसे मजबूर किया था पिताजी। और मैंने रमेश का साथ दिया था, क्योंकि तुम्हारी इस बेवकूफी का जी खुश करने के लिए मैं इन दोनों के कमसिन प्यार को बलिदान करने तैयार नहीं था। और अगर बहू को झूठ के इल्जाम में यहाँ इस घर से निकलना ही है, तो तुम्हारे लिए भी यहाँ कोई जगह नहीं, क्योंकि तुम भी एक बहुत बड़े झूठ को सच माने बैठे हो। मैंने मैंने किस झूठ को सच माना? अम्मा, पढ़ी लिखी लड़कियों के बारे में जो तुम सोचते थे वो झूठ नहीं था। रमा पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ बनी रही तो वो झूठी निकली, और 8 महीने तुम्हारी सेवा की, इज्जत की, तो वो सच नहीं था। इस बच्ची की कुर्बानी तो देखो कैलाशपति, तुम्हें बचाने के लिए अपनी असलियत जाहिर कर दी, ये जानते हुए कि इसके बाद उसका बना बनाया घर उजड़ जाएगा, वो सच नहीं था। और तुमने जो एक झूठा भरम बना रखा था वही सच था। जिस जबान से तुमने आज उसे घर से निकाला है, वही जबान एक हफ्ता भर पहले उसकी तारीफों के पुल बांधती थी। अरे बेशरम, तूने ये भी नहीं सोचा कि उसकी कोख में तेरे खानदान का चिराग जल रहा है। भगवान तुझे भले ही माफ कर, मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगा। बहू को बुला कर लाओ, कहना मैंने बुलाया है। रमा, रमा, क्या हुआ बेटा? दिलका का रमा कहाँ गई? पता नहीं, यहीं तो थी। लगता है वो अपने मामा जी के घर गई है। दिलका का आप पिताजी का ख्याल रखिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। बहू कहाँ है? लगता है मामा जी के घर चली गई। तू जलाला को बुला कर ला। बिस्तर से उठने के लिए किसने कहा? आप समझते क्या हैं अपने आप को? माना कि ये घर आपका है, आप जब चाहें जिसे चाहें यहाँ से निकाल सकते हैं, ये आपका हक है। लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता कि एक डॉक्टर का कहना ना माने, जब चाहे मनमानी करें। डांट बेटी,
मुझे डांट। बचपन में मेरी मां गुजर गई थी ना, मुझे डांटने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं समझता था मैं जो कुछ सोचता हूं करता हूं वही सही है। मां की वो कमी तू पूरी कर दे बेटी, मुझे अच्छी तरह से डांट। पिताजी बहू आ गई क्या? नहीं तो, तो कहां चली गई बेचारी? दादाजी कहीं उसने कोई गलत कदम ना उठा लिया हो। क्या गलत कदम? नहीं मेरा मतलब है खुदकुशी या वो ऐसी लड़की के लिए इतनी चिंता क्यों? घर के बुजुर्ग ने जरा कुछ कह दिया सारी दुनिया सर पर उठा ली। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए दूसरी बहू लाऊंगा। अरे दूसरी बहू? लगता है पंडित के दिल के साथ तुम्हारा दिमाग भी कमजोर हो गया है। अच्छी खासी लक्ष्मी को तुमने घर से बाहर निकाल दिया और तुम्हें गम भी नहीं इसका? गम? ऐसी बहू के लिए मुझे कोई गम नहीं। तू फिक्र मत कर बेटा, मैंने तेरे लिए एक अच्छी लड़की पसंद ही कर ली है। चाहो तो मैं दिखा दूं। अंदर आ बेटी। क्यों लाला के बच्चे, मुझे बेवकूफ बनाकर रखा था? देखा मैंने तुम दोनों को कैसे उल्लू बनाया? तू बात नहीं आएगा। पिताजी क्या हुआ? पिताजी प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। बहू रिलैक्स नहीं कहो, आराम आराम कीजिए।